मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे यूज़र इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्ट, हाँ मुझे नेम चाहिए, सरनेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, और मुझे क्रिएटेड बाय चाहिए, राइट? राइट क्रिएटेड बाय मतलब उसका नाम चाहिए, टेक्स्ट, ये पांच इन्फॉर्मेशन मुझे दिखानी है। एंड क्रिएटेड ऑन, कब क्रिएट किया, नेम सरनेम फादर नेम जेंडर क्रिएटेड बाय क्रिएटेड ऑन। अब अगर मैं एडवांस एसक्यूएल लिखूं, ठीक है, सो मेरा स्ट्रक्चर होगा जो नया स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो, ठीक है। अभी मुझे कहाँ से सिलेक्ट करना है, फॉर नाउ लेट मी राइट दिस, उसके बाद हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट उठाएंगे। सिलेक्ट स्टार फॉर यूजर इंफॉर्मेशन, नाउ वी वॉन्ट टू ज्वाइन विथ यूजर्स ऑन यूजर इंफॉर्मेशन डॉट क्रिएटेड क्रिएटेड बाय इज इक्वल टू यूजर्स डॉट आईडी, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, इसका पहला पहला एट्रीब्यूट है नेम, नेम इज नेम बिलोंग्स टू यूजर इंफॉर्मेशन, राइट, डॉट नेम, यूजर इंफॉर्मेशन डॉट सर नेम, यूजर इंफॉर्मेशन डॉट फादर नेम, यूजर इंफॉर्मेशन। अभी मुझे जेंडर भी चाहिए, अभी इस टेबल में तो जेंडर का आईडी है, तो करेक्ट, मुझे तो जेंडर एक भी ज्वाइन पार्ट करना पड़ेगा। ज्वाइन जेंडर ऑन यूजर इंफॉर्मेशन डॉट जेंडर आईडी इज इक्वल टू जेंडर डॉट आईडी एंड जेंडर डॉट लेबल। मेरे पास आईडी है यूजर इंफॉर्मेशन में, उससे उसने जेंडर टेबल को ज्वाइन कर दिया। अब मेरे पास जो भी जेंडर टेबल का ऑब्जेक्ट है उससे मैं जेंडर का लेबल निकाल सकता हूँ, ठीक है। देन आई वॉन्ट क्रिएटेड बाय, तो यूजर डॉट नेम, एंड आई वॉन्ट यूजर इंफॉर्मेशन डॉट क्रिएटेड ऑन, दैट्स इट। टेस्ट करते हैं, एरर एडवांस पे इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर ज्वाइन फ्रॉम यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी टेस्ट करते हैं, ये हो गया हमारा क्वेरी, ये यूजर इंफॉर्मेशन है, उनको इसने क्रिएट किया है और इस समय पे क्रिएट किया है। एक काम करते हैं, थोड़ा डेटा चेंज करते हैं तो समझ में आएगा कि सही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं, क्योंकि सभी को एक ही यूज़र ने क्रिएट किया, राइट? समझने में दिक्कत हो सकती है। हमारे पास कितने यूज़र आईडी है, हमारे पास 29 है, 26, 27, 28 सब है, राइट? हम चेंज करते हैं बैकएंड से डेटा जस्ट फॉर टेस्टिंग कि हमारा सब सही है कि नहीं, ठीक है। इसको 27 से करवा देते हैं, 27, इसको 28 से करा देते हैं, इसको 26 करा देते हैं, इसको 30 से करा देते हैं, 25 से करा देते हैं, 15 से करा देते हैं, अप्लाई, ठीक है, बराबर है डेटा। अब हम वापस जाते हैं हमारे एक्शन में जहाँ हमने लिखा है। अब अगर हम टेस्ट करेंगे, टास्क एडमिन अंकित, अंकित टास्क मैनेजर पेट्रिसिया, राइट, इन्होंने क्रिएट किया है उसे, ये हमारे पास में प्रिसाइज डेटा आ गया जितना हमको चाहिए, अननेसेसरी कॉलम कुछ नहीं आए बाय यूजिंग दिस एडवांस एसक्यूएल। ऐसा का ऐसा मैं शो कर सकता हूँ यूआई पे। सर ये कहाँ पे जैसे सिक्वल लिखे तो ये किस में स्टोर हो रहा है अपना बाहर ये, जा? हाँ अभी SQL इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्वर, ये सर्वर साइड प्रॉपर्टी है। अगर मुझे सर्वर से डेटा लेना है वाया SQL तो आई विल रिक्वायर टू राइट अ सर्वर एक्शन, गेट यूजर इंफॉर्मेशन, और ये मुझे एक यूजर इंफॉर्मेशन की लिस्ट देगा। अब ये कौन सी लिस्ट देगा, जो मैं डेटाबेस से लेके आ रहा हूँ, यूजर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, मैं उसे चाहूँ तो टाइप पूरी की पूरी टेबल भी ले सकता हूँ, बट मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूँ पूरा का पूरा, राइट। डेटा टाइप विल बी यूजर
लिस्ट ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन ट्रक, दिस इज यूजर इन्फो लिस्ट। अब मैं जब इसको भेजूंगा वापस तो इसको मैं साइन कर दूंगा डायरेक्ट, मेरे पास में मैपिंग है क्योंकि ये वही टाइप है जो ये रिटर्न कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट मैपिंग अवेलेबल है। गेट यूजर इन्फॉर्मेशन, अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली कहीं भी क्लाइंट एक्शन में, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ या फिर मैं राइट क्लिक करके फेच डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस कर सकता हूँ और इसमें ये सारा काम कर सकता हूँ। लो हम कर ही देते हैं, हम करते हैं, एक नया पेज बनाते हैं, टैग के अंदर बनाते हैं, एड ग्रीन गेट यूजर इन्फो सिक्वल, राइट, एडवांस सिक्वल का यूज करके बाय सिक्वल। अब इसमें मुझे यूजर इन्फॉर्मेशन चाहिए यूजिंग SQL, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अगर मुझे इसको थोड़ा छोटा करना है, इसका मतलब क्या है, क्या ये इसका इस पे डायरेक्टली टाइटल का प्रॉपर्टी लगा हुआ है, मुझे इसका स्टाइल क्लास चेंज करके इसका फ़ॉन्ट साइज कम करना है। सो मेरे पास स्टाइल क्लास अवेलेबल है, टेक्स्ट साइज नहीं है टेक्स्ट, तो फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज H1, H2, H3, H4, H6, सो थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे डेटा फेच करना है यूजिंग SQL, तो मैं फेच डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस करूँगा, दैट विल बी treated as a server action. So get user information using SQL. जिसमें नाम दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें मैं यही कोड लिखूंगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, copy paste. और मैं इसको कॉल भी कर सकता हूँ, बोथ आर द सेम। मैं अभी ये पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, दोनों बात एक ही हुई। बट इसमें यह है कि दो कॉल हुए हैं, अंदर ही अंदर उसने एक और मेथड कॉल कर दी है, अदरवाइज में ये जो इसके अंदर लिखा हुआ ये दोनों चीज़ें वहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ अवेलेबल। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, वॉट एवर इज़ अवेलेबल अंडर सर्वर एक्शन, ठीक है। अभी मैंने ये सर्वर एक्शन कॉल किया, इसको मैं नाम देता हूँ सर्वर एक्शन। समझ में आया ना ये आपको? यस। हमने सर्वर एक्शन जो लिखा था वो उसको कॉल कर दिया, हम चाहते तो उसके अंदर का मटेरियल हम यहाँ भी लिख सकते जो भी हमने उसके अंदर लिखा है। अब ऑब्वियसली ये भी वही रिटर्न करेगा जो ये रिटर्न कर रहा है, एंड देट विल बी लिस्ट ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन, सो यूजर इन्फो लिस्ट, इट विल बी लिस्ट ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, दैट्स इट, एंड जस्ट आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो उसने ले लिया, बाय डिफॉल्ट उसने चार ही कॉलम लिए बाय डिफॉल्ट, सो मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ जाऊँगा and I can add columns, add column and add column, मेरा ये होगा created on, and expression में मेरे पास अवेलेबल है, दिस इज क्रिएटेड बाय, डायरेक्ट नेम अवेलेबल है, सॉरी दिस इज क्रिएटेड ऑन, एंड व्हाट इज देयर आर, ओके, उसकी आउटपुट पैरामीटर की वैल्यू सेट नहीं की हमने, सो इसके अंदर हम जाएंगे, सो हमको आउटपुट में सेट करना है जो आउटपुट हमें सर्वर एक्शन से मिल रहा है वो, दैट्स इट, वी आर डन। सब लोग आ गए? हाय फरान, मृदुल और वो नहीं आए क्या? रघु, सर इसमें क्वेश्चन है डीबी वाले में, जो आपने जो ज्वाइन किया जो क्रिएटेड बाय आ गया, सो मान लीजिए दो फील्ड भी है लाइक को क्रिएटेड बाय और मॉडिफाइड बाय, तो क्या दो बार ज्वाइन करना पड़ेगा अलग अलग एंटिटी से यूजर बोल के यूजर टेबल? यस,
अगर आपको दोनों लेना हो तो आपको दो बार ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो आपने डायरेक्टली इससे ज्वाइन किया है ना, यूजर इन्फॉर्मेशन से। हाँ तो उसका इन्फॉर्मेशन है, एक मॉडिफाइड है तो उसका लगाएगा। ओके तो लेकिन उस केस में फिर आपको एलियास यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ आप कंफ्यूज हो जाएगा ये कि कौन सा यूजर कौन सा हाँ है। तो इसको एज यूजर क्रिएटेड बाय यूजर, फॉर एग्जांपल दिस, और एक और ज्वाइन करोगे एज अपडेटेड बाय यूजर, और यहाँ पर आप क्रिएटेड बाय यूजर डॉट नेम यूज करोगे। सो आपको वो करना पड़ेगा, या देयर इज नो वे। बट उसके अलावा इसको एक और तरीका भी है जिससे कर सकते हैं हम, कि तीनों स्ट्रक्चर भी यहाँ ले सकते, बहुत सारे वेरिएशन है इसके, इतने सारे वेरिएशन हो सकते हैं डेटा फेच करने के। इट इज दी R&D, राइट? हर डेवलपर का अपना वे हो सकता है डेटाबेस क्वेरी लिखने का, इसका कोई प्री डिफाइंड वे नहीं है कि इसको ऐसे ही करना होगा, मल्टीपल वे से किया जा सकता है। मैं तीनों स्ट्रक्चर यहाँ लेकर के तीनों स्ट्रक्चर का पूरा पूरा डेटा भी ले सकता हूँ, अगर मुझे लगता है कि चार पांच ही कॉलम है तो। एंड इन द सेम वे जैसे मुझे ये देता है एग्रीगेट लाइक दिस, राइट? इन द सेम वे मेरे पास तीन पूरे 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 टेबल्स आ जाएंगे। आई कैन यूज दैट। तो अभी अगर हम इसको देखें चला के, परफेक्ट, ये हो गया काम हमारा। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक, वी डोंट हैव सर्च, वी डोंट हैव सॉर्टिंग, वी डोंट हैव पेजिनेशन। और यहाँ पर ऑटोमेटिक आता है, राइट? पेजिनेशन एंड एवरीथिंग। तो अगर आप एडवांस सीक्वल लिख रहे हो, आपको ऐसा सिनेरियो आया है कि एडवांस सीक्वल लिखना है, देन आपको सॉर्टिंग, सर्चिंग, पेजिनेशन खुद से लिखना होगा। अब वो हम देख सकते हैं, बट उसके पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? आपने ये असाइनमेंट कर लिया सभी ने? परान आपने कर लिया? हाँ हो गया कंप्लीट। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आपने किया है घनश्याम? हाँ सर, उसका पूरा नहीं हुआ है बट कर लिया मैंने, देखा इस नहीं, क्या नहीं हुआ? मैं एक काम बहुत इधर हो गया था, टाइम नहीं दे पाया सर ठीक से। अच्छा, तो क्या क्या रह गया है, क्या रह गया? नहीं मेरे को भी देखना है, मतलब नहीं देखा, बस देखा था, चालू किया था मैंने, स्टार्ट करूंगा। ओके, और स्मिता आपने किया कि नहीं? नहीं सर, मैं पीछे हूँ थोड़ी, इन लोगों से पीछे हूँ, मेरा बाकी है सर। मैंने टास्क मैनेजमेंट का कल थोड़ा किया सर, वो मेरा बाकी था ना टास्क मैनेजमेंट वाला। वो बेसिक्स के वीडियोस देख के वो टास्क मैनेजमेंट का कर रही थी सर मैं कल। ओके ठीक है। सो अभी सब लोग ज्वाइन भी नहीं हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं हम। डू यू हैव एनी आइडिया फरहान, कि अभी हम इसमें कैसे फिल्टर लगा सॉर्टिंग लगा सकते हैं? इसमें जो एडवांस स्किल से लाए इसमें, हाँ, क्लाइंट साइड सॉर्टिंग, इज देयर एनी वे कि हम क्लाइंट साइड सॉर्टिंग लगा दे? चलो हम देखते हैं, हम इसको देखते हैं। ये सर ये आ नहीं रहा है क्योंकि ये हमने मतलब बना के भेजा है सिक्वल से, दैट्स व्हाई, राइट? वो रेडीमेड टाइप का ऑलरेडी कंप्यूटेड है। हाँ, बिकॉज सॉर्टिंग के लिए लॉजिक लगेंगे, राइट? वी विल हैव टू हैंडल दिस, स्टार्ट इंडेक्स एंड मैक्स रिकॉर्ड, ये पेजिनेशन के लिए हमें हैंडल करना पड़ेगा, और सॉर्टिंग के लिए भी इसमें जो लॉजिक है वो ये जो सॉर्ट है दिस वन, दिस सॉर्ट, ये एग्रीगेट लगा लेता है, राइट? आउट सिस्टम ने बिहाइंड द स्क्रीन उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो सब कुछ लगा देता है इफ वी यूज एग्रीगेट। बट इसमें उसे नहीं पता ना कि हम किससे ज्वाइन कर रहे हैं, हम क्या ज्वाइन कर, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू अस, हमने कस्टमाइज्ड क्वेरी लिखा है। सो उसे नहीं पता कि इस क्वेरी में अगर हमें सॉर्टिंग लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे, इस क्वेरी में हमें पेजिनेशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे। ओके, तो फिर वो हमें लिखना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं सॉर्टिंग हम कैसे लगा सकते हैं।
हमने अभी कोई सॉर्ट नहीं हो रहा है, राइट, ये सॉर्टिंग नहीं चल रहा है। सो मैं अगर सारा डेटा लेके आ रहा हूँ, सो मैं क्लाइंट साइड, मेरे पास लिस्ट तो अवेलेबल है, राइट, मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है, ये लिस्ट तो है। इस लिस्ट पे मैं, अगर मैं आपको लिस्ट के वो दिखाऊं, मेथड्स सिस्टम के अंदर ऑल लिस्ट, तो लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड है हमारे पास, लिस्ट बाय एंड असेंडिंग और डिसेंडिंग टू। हमारे पास लिस्ट में हम क्लाइंट साइड पे सॉर्टिंग लगा सकते हैं, तो हम यहीं पर क्लाइंट साइड पे सॉर्टिंग लगा देते हैं। हम सर्वर साइड पे भी लगा सकते हैं इन क्वेरी, बट हमारे पास में लिस्ट अवेलेबल है पूरी, हम पेजिनेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम सर्वर साइड, क्लाइंट साइड पे ही सॉर्टिंग लगा करके दिखाया जा सकता है। ये भी सिनेरियो बहुत बार यूज होता है, ये यूज, दिस इज दी फ्रिक्वेंटली यूज सिनेरियो, बिकॉज कई बार हमें बहुत ही कस्टमाइज डेटा लेके आना होता है डेटाबेस से, एंड हम कई बार ऐसा होता है कि हम एग्रीगेट का यूज ना करके एडवांस सिक्वल का यूज करते हैं, इन दैट केस सॉर्टिंग लगेगा ही लगेगा, तो खुद का सॉर्टिंग लिखना ही पड़ेगा। सो उसके लिए दो वे है, या तो हम क्वेरी के अंदर से सॉर्टिंग लिख दें और यहाँ से क्या क्लिक हो रहा है वो क्वेरी को पास करें, बट अगर डेटा कंप्यूटेड है लाइक दिस, अगर यहाँ जो दिखा रहे हैं हम जो लेके आ रहे हैं उसके बाद भी कंप्यूटेशन किया है, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम लेके आ रहा हूँ, सॉरी, सीधे नेम लेके आ रहा हूँ, सीधे सरनेम लेके आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सॉर्ट लगा सकता हूँ ऑर्डर बाय नेम और सरनेम, राइट, डायनामिक सॉर्ट लाइक दिस। लेकिन अगर मैं नेम सरनेम लेके आ रहा हूँ या कुछ डेटा लेके आ रहा हूँ और दिखाने के पहले भी उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, कंप्यूट कर रहा हूँ कुछ, तो इस पर भी सॉर्टिंग नहीं लगेगी फिर, क्योंकि ये तो नेम सरनेम दे रहा है, हमको कुछ और दिख रहा है, हमको इस पर सॉर्टिंग लगानी है। इन दैट केस हमें क्लाइंट साइड सॉर्टिंग लगानी पड़ेगी यूजिंग द लिस्ट। सो हम देखते हैं उसको हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज माय टेबल। अब अगर मैं इसके हेडर पे जाके देखूं सॉर्टिंग, सो वी हैव अ सॉर्ट एट्रीब्यूट फंक्शनैलिटी, और अगर मैं विजिटर पे जाके टेबल पे जाऊं तो ऑन सॉर्ट इवेंट है। इसका मतलब यह है कि ऑन सॉर्ट इवेंट पे मैं जो भी एक्शन कॉल करता हूं वो इस पे क्लिक करने पे कॉल होगा, और मैंने इस पर्टिकुलर हेडर पे सॉर्ट एट्रीब्यूट जो रखा है वो एट्रीब्यूट नेम रखा है, राइट, तो NAME एज अ टेक्स्ट उसको पास कर देगा। लेट मी क्रिएट एंड मैं आपको बताता हूँ फिर। ऑन सॉर्ट में मैंने क्या किया, एक नया क्लाइंट एक्शन लिखा, ठीक है, अभी ये क्लाइंट एक्शन लिखा है मैंने नया, इसमें मुझे एक इनपुट पैरामीटर चाहिए सॉर्ट एट्रीब्यूट, ओके, इट विल बी अ टेक्स्ट। सो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो वो मुझे इसको सॉर्ट एट्रीब्यूट यहाँ से देना पड़ेगा, क्लिक कॉलम, ये क्लिक्ड कॉलम वही है जो ये है नेम। अगर हम पढ़े एट्रीब्यूट ऑफ द रिकॉर्ड टू बी यूज्ड इन द ऑन सॉर्ट इवेंट ऑन द टेबल, ऑटोमेटिकली मुझे एक क्लिक्ड कॉलम मिला, मैंने कुछ नहीं किया इसके लिए, कुछ लिखा नहीं है, ये टेबल का प्रॉपर्टी है। तो ये क्लिक्ड कॉलम वही है, इट इज अ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इसमें वही होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा तो ये इसमें जो पास होगा वो चेंज हो जाएगा। सो अभी जब मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ गया, मुझे पता चल गया कि मैंने नेम पे क्लिक किया है, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ गया, वही एक्शन कॉल, मुझे पता चला कि मुझे सरनेम, मैंने सरनेम पे क्लिक किया, मैंने फादर नेम पे क्लिक किया, मैंने जेंडर पे, मैंने क्रिएटेड बाय पे किया। आप देख रहे हो क्रिएटेड बाय पे वो सॉर्टिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि क्रिएटेड बाय पे मैंने नेम कॉलम आया नहीं होगा। अगर मैं क्रिएटेड बाय देखूँ, दिस इज माई क्रिएटेड बाय, सॉर्ट एट्रीब्यूट नहीं है, अब आ जाएगा। समझ में आया कि आपको ये क्या किया हमने? फिर से एक बार कीजिए, ये फिर से बताता हूँ मैं आपको, हमें क्या करना है, हमें सॉर्टिंग लगानी है। अब अभी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको स्मिता, बिकॉज आपके कंसेप्ट
पहले के सारे क्लियर होने चाहिए। और आज ऑलमोस्ट हमने आउट सिस्टम का बेसिक्स ओवर कर दिया है, अभी कुछ नहीं है आउट सिस्टम में, बस इतना ही था। हमने पूरा बेसिक देखा, हमने सर्वर एक्शन, क्लाइंट एक्शन देखा, हमने डेटाबेस हैंडलिंग देखी, हमने पॉपअप देख लिया, हमने आइकॉन का यूज करना देख लिया, हमने डिजाइनिंग देख ली, हमने वेब ब्लॉग देख लिया, दैट्स इट। अब कुछ भी नहीं बचा। अब जो बचा है वो एडवांस फंक्शंस है, एडवांस थिंग्स है, जो हमने अभी तक सीखा उसी के कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है। इसके अलावा क्या बचता है? असिंक्रोनस ऑपरेशन, टाइमर एंड बीपीटीज, एंड एडवांस डेटाबेस एसक्यूएल्स, एसक्यूएल क्वेरीज। दैट इज अगेन, हमने अभी क्वेरी देखी, उसका एक एडवांस रूप के मल्टीपल टेबल्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बचता है एक्सपेंशंस एंड इंटीग्रेटिंग विद एक्सटर्नल डेटाबेस, दैट इज अगेन एडवांस स्टफ है। अगर इंटीग्रेशन का हमें एक वे पता है, इंटीग्रेट करने के बाद में दैट अपीयर्स हियर इन अ सेम फॉर्मेट, और हम जैसे अभी तक यूज करते आए हैं उसको वैसे यूज कर लेते कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का कॉन्फिग्रेशन का वे पता होना चाहिए, वो इसी वे में, जिस वे में सर्वर एक्शन है उसी वे में हमारे पास यहाँ आ जाता है, देन वी कैन यूज इन अ वे हाउ वी यूज सर्वर एक्शन, राइट। दैट्स इट, आउट सिस्टम्स का स्कोप खत्म। लेकिन ये इतना ही नहीं है आउट सिस्टम्स कि हमने बस ये सीख लिया देन नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ डेवलपर। अभी घनश्याम आप कर रहे हो, आप रिलेट कर पाओगे इसको कि इसी में हमारे सामने इतने सारे वेरिएशन आते हैं। Yes. आप इतने सारे वेरिएशन, दैट्स व्हाई, राइट, आउट सिस्टम कहने को इट इज लो कोड एंड इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी, ऐसा मार्केट उसको ऐसा शो कर रहा है कि आउट सिस्टम्स लो कोड टेक्नोलॉजी बहुत इजी है, बट इट्स नॉट दैट इजी कि आप जाओ और कोड कर दो। इजी इन द सेंस क्या है, अभी अगर हम जावा समझते सीखते या .NET सीखते तो हमें उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ही 2-3 महीना गुजारना पड़ता। ये इजी क्यों है? बिकॉज इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने 10 दिन में ले ली। अब ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं बचा है जो आपको नहीं पता, जो आपको नहीं पता कि कैसे यूज करेंगे कोई भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने में। आपको सारे कंसेप्ट आज तक पता चल चुके हैं, लेकिन वेरिएशंस तो सेम है, राइट। वो तो जैसा डेवलपमेंट होता है वैसा ही होता है। तो जब तक आप एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, पहली नहीं करोगे तो मैं दूसरी नहीं दूंगा तो वेरिएशंस क्रिएट ही नहीं होंगे, पता ही नहीं चलेंगे आप। You getting my point, right? Yes, sir. So, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, भले ही आपको रात जागना पड़े या 3 घंटे सोना पड़े for next 15 days, क्या दिक्कत है? आप जितना मुझसे आप जितना ज्यादा ले सकोगे, मैं उतना एक हद तक ही मैं खुद से दे पाऊंगा, एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद में आपको लेना पड़ेगा। आप मुझसे जितने क्वेश्चन पूछोगे आई कैन आंसर, ऐसा एक भी क्वेश्चन आई कैन गारंटी यू कि आप ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछ सकते जो मुझे नहीं पता हो। कुछ भी पूछ लो आप, आई नो एवरीथिंग। आपका जो स्कोप है अभी उसमें, सो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, आई विल गिव यू आंसर्स, और हम नए नए वेरिएशन देखेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत। अभी ये सॉर्टिंग में ही इतने सारे वेरिएशंस होते हैं, एंड आई पर्सनली वर्कड ऑन मल्टीपल सॉर्टिंग वेरिएशन। इसी में मुझे 3-3 दिन के असाइनमेंट मैंने लिए हैं, पूरा 3 दिन 24 आवर, और 8 घंटा तो हम लॉक करते हैं, बट समटाइम हमें 10 घंटा भी काम करना पड़ जाता है जस्ट टू सॉर्ट वन पर्टिकुलर टेबल, बिकॉज इतने कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यूज हो रही थी, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, सॉर्टिंग लॉजिक ही इतना डिफिकल्ट था, और उसमें इतने सारे कॉम्बिनेशन थे, वैलिडेशन लॉजिक थे, तो उस बहुत एडवांस लॉजिक्स भी बनते हैं, राइट। हम अभी इजी देख रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इजी कवर करते जाओगे, आप तुरंत प्रैक्टिस करते जाओगे, आप एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते जाओगे, हम नई एक्सरसाइज ले लेंगे, ठीक है ना? Yes. इतना लेक्चर काफी था। ओके, तो अभी हम करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग नॉर्मली सॉर्टिंग इज द सर्वर साइड प्रॉपर्टी, क्योंकि डेटाबेस हमें डायरेक्टली सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी देता है। सॉर्ट ऑर्डर बाय, राइट, ऑर्डर बाय इज द सॉर्टिंग क्लॉज। सो हम अगर डेटाबेस को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दे कि ऑर्डर बाय, मैंने यहाँ पर क्लिक किया
फिर से मैं डेटाबेस क्वेरी कॉल कर लूं और ऑर्डर बाय नेम कर दूं, दैट इज आल्सो पॉसिबल एंड दैट इज आल्सो करेक्ट अप्रोच टू डू। बट समटाइम क्या होता है, हम जब एडवांस एसक्यूएल लिख रहे होते हैं और हम कंप्यूटेड डेटा ला रहे होते हैं, डेटाबेस में है नेम बट हम यहाँ पर नेम में कुछ और भी प्लस करके दिखा रहे होते हैं, उन इन दैट केस डेटाबेस सॉर्टिंग वर्क नहीं करेगी, बिकॉज डेटाबेस तो नेम से सॉर्ट कर देगी, हम यहाँ तो कुछ और दिखा रहे हैं, नेम के आगे हमने कुछ और भी जोड़ दिया है, तो यहाँ की सॉर्टिंग अलग हो गई। इन दैट केस हमें क्लाइंट साइड सॉर्टिंग या सॉर्टिंग सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, जो लिस्ट के सॉर्टिंग सॉर्टिंग मेथड्स है उसका यूज करके सॉर्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम लिस्ट की सॉर्टिंग मेथड देखें, दिस इज माय लिस्ट की सॉर्टिंग मेथड, लिस्ट सॉर्ट, वो एक लिस्ट लेती है, मेरे पास लिस्ट है, वो किससे सॉर्ट करना है, एक एट्रीब्यूट लेती है, ठीक है, इसका मतलब मैंने कहां पर क्लिक किया है मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं आउट सिस्टम्स की टेबल की प्रॉपर्टी देखूं, टेबल के अंदर जाऊं, मैं उसके टेबल के मैं क्लिक करूं, उसकी प्रॉपर्टी देखूं, सो वी हैव अ ऑन सॉर्ट इवेंट। अगर मैं ऑन सॉर्ट इवेंट को हैंडल करता हूं, तो जो भी हैंडलर एक्शन है, जब भी मैं सॉर्ट किसी कॉलम पर क्लिक करता हूं, तो ऑटोमेटिकली वो ऑन सॉर्ट एक्शन कॉल कर देगा, जो भी जहां भी मैंने ट्रिगर हैंडल किया है उस ट्रिगर को, उस इवेंट को वो कॉल कर देगा, ठीक है। अब कॉल करते टाइम मुझे बताना पड़ेगा, राइट, मैं नेम को क्लिक किया, मैं सरनेम को क्लिक किया, उसे नहीं पता, सो फॉर दैट इन ईच कॉलम वी हैव अ सॉर्ट एट्रीब्यूट। सॉर्ट एट्रीब्यूट इज अ नेम ऑफ एट्रीब्यूट कि हमने कौन से कॉलम को क्लिक किया है, इट इज अ टेक्स्ट, दिस आर माई सॉर्ट एट्रीब्यूट। सो जब भी टेबल का ऑन सॉर्ट इवेंट कॉल होता है, बाय डिफॉल्ट उसके पास एक क्लिक्ड कॉलम करके वेरिएबल रहता है, उसके लोकल में अवेलेबल है, ये ऑटोमेटिक अवेलेबल हो गया, ये हमने कहीं से लेकर के नहीं आए, ये क्लिक्ड कॉलम वही कॉलम है जो ऑन सॉर्ट एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है टेबल के। तो मैंने एक ऑन सॉर्ट फंक्शन लिखा, उस फंक्शन में एक इनपुट पैरामीटर लिया सॉर्ट एट्रीब्यूट और क्लिक्ड कॉलम भी हम इसको बोल सकते। जब भी टेबल के किसी कॉलम पे क्लिक होगा, ऑन सॉर्ट कॉल होगा, ऑन सॉर्ट कॉल होगा तो वो क्लिक्ड कॉलम उसको पास कर देगा, इस तरह से मेरे ऑन सॉर्ट को पता चल जाएगा कि मैंने किस पर्टिकुलर कॉलम पे क्लिक किया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ओके, अब मुझे यहाँ, अब नाउ आई एम अंडर ऑन सॉर्ट एक्शन, अब मुझे यहाँ पर लॉजिक लिखना है कि मुझे किससे सॉर्ट करना है। अब मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के क्लिक्ड कॉलम आ सकते हैं, मैं इससे सॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली दिस इज दी ऑटोमेटिकली तो पता नहीं होगा कि ये किस पे क्लिक किया है, तो मुझे यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा, कंडीशंस लगानी पड़ेगी कि अगर इस पे क्लिक किया है देन सॉर्ट बाय नेम, इस पे क्लिक किया है तो सॉर्ट बाय सरनेम। तो आई विल यूज अ स्विच स्टेटमेंट हियर, ठीक है, तो सॉर्ट बाय क्लिक कॉलम। अब इसके केसेस में मैं क्या करूंगा, इन द केस ऑफ नेम आई विल सॉर्ट बाय नेम। लेट मी डू वन थिंग, देन मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहला ड्रॉप किया फॉर नेम एंड लिस्ट सॉर्ट, एंड पहली कंडीशन वेयर सॉर्ट एट्रीब्यूट टू अपर सॉर्ट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू नेम। अब इसमें एक मैंडेटरी थिंग है जो हमें ध्यान रखनी है कि ये हम हार्ड कोड कर रहे हैं नेम से, तो ये जो कॉलम का नेम है ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमने ओवर द टाइम जाके इसको नेम को चेंज कर दिया, कोई दूसरा नाम दे दिया, तो ये सॉर्टिंग काम करना बंद कर देगी, बिकॉज ये हार्ड कोडिंग है राइट विद द नेम। अगर मैं इसको चेंज करके यूजर नेम कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ गया, सॉर्ट एट्रीब्यूट यूजर नेम हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। तो अब ये यूजर नेम भेजेगा, अब ये यूजर नेम भेजेगा और मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ नेम से, तो ये कभी काम ही नहीं करेगा, राइट। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है ये एज अ डेवलपर, तो जब भी हम ये यूज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन लिखते हैं यहाँ पर,
इसमें एक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, या फिर हम ये शॉर्ट ऑन शॉर्ट जो है इसमें एक बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि ये क्लाइंट साइड सॉर्टिंग है, सो जस्ट कीप इन माइंड कि ये एट्रीब्यूट का नाम चेंज नहीं करे कोई दूसरा डेवलपर उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अगर चेंज करेगा तो सॉर्टिंग काम करना बंद कर देगी। समझ में आया ना ये? Yes. ठीक है, सो दिस इज दिस सॉर्ट बाय यूजर नेम। अब सॉर्ट क्या करना है मुझे, लिस्ट सॉर्ट करना है, दिस इज माय लिस्ट, बाय मुझे क्या करना है, यूजर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पर भी कंडीशन लिख सकता हूँ, सॉर्ट बाय मेरे पास सॉर्ट बाय क्या आया है उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली यहाँ पर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, बट जस्ट फॉर बेटर रीडेबिलिटी आई यूज दिस स्विच, सॉर्ट बाय यूजर नेम। नाउ असेंडिंग ट्रू और फॉल्स, असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं ट्रू करूंगा तो इट विल सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर, मैं फॉल्स करूंगा तो इट विल सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर। नाउ आई कैन नॉट गिव डायरेक्टली ट्रू फॉल्स बिकॉज अगर मैंने एक बार क्लिक किया तो ये असेंडिंग हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक किया तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा, राइट? सो इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा लाइक दिस, मैं एक लोकल वेरिएबल लूंगा एंड मैं बोलूंगा इज असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट ये होगा फॉल्स, ओके? एंड यहां पर मैं असाइन कर दूंगा जब भी क्लिक हुआ है इज असेंडिंग नॉट इज असेंडिंग। सो फर्स्ट टाइम ट्रू हुआ, नेक्स्ट टाइम फॉल्स हुआ, फर्स्ट टाइम फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फॉल्स, जितनी बार भी क्लिक करूंगा ये ट्रू फॉल्स होता जाएगा एंड आई विल पास हियर इज असेंडिंग। करते हैं इसको, उसके बाद समझते हैं क्या हो रहा है एंड आई विल एंटर। ठीक है, सिर्फ इतना ही करते हैं एंड पब्लिश करते हैं, उसके बाद हम सारे स्विच लिखेंगे दूसरे भी। ओके, ठीक है, इट इज सॉर्टिंग, डिसेंडिंग असेंडिंग, डिसेंडिंग असेंडिंग। इस पे नहीं चल रहा क्योंकि इस पे हमने नहीं लिखा, और ये फास्ट भी है बिकॉज ये क्लाइंट साइड सॉर्टिंग है। अगर हम इसको देखें इट इज स्लो, बिट स्लो, क्योंकि ये डेटाबेस में जा रहा है, डेटा फेच करके ला रहा है, ये इसमें डेटा ऑलरेडी है, जस्ट हम उसके सॉर्ट कर रहे हैं। समझ में आया आपको? Is it clear? Awesome. ठीक है, so बाकी के लिए भी मैं लिखूं या ये मैं आपके लिए छोड़ दूं? लिखेंगे सर, बाकी छोड़ दीजिए सर, लिख लेंगे। बाकी आप लोग देखिएगा ना एक ऐसा टेबल बना करके। ओके, ठीक है, अभी हम कुछ आप बताइए, कुछ कंफ्यूजन हो अभी तक उस पर बात करते हैं, कुछ कंफ्यूजन, कुछ फंक्शनैलिटी जो मुझे देखना था कि देखो अभी जब अमेजोन की वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो उसके सबसे टॉप के हेडलाइन पे जो ऑप्शंस रहते हैं, जो भी मॉड्यूल्स रहते हैं, ड्रॉप डाउन दिखते हैं ना हमें, जो कैटेगरी वाइज उसके चेक करते हैं और फिर उस पर क्लिक करके दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं, तो इसमें भी कर सकते हैं ना सर, स्क्रीन पे, यूजर इन्फॉर्मेशन पे, सब कर सकते हैं, एवरीथिंग, हमको जो 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 आप सोच सकते हो वो हम सब कर सकते हैं। बट लेकिन अभी आप ये जो बेसिक्स है जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ आप उतने बढ़िया कीजिए, उसके बाद आप किसी नई चीज पे ध्यान दीजिए। हमें बेसिक्स तो पहले डिजाइनिंग पे आप फोकस करिए ही मत, कोई भी मत कीजिए कि मैं बहुत ब्यूटीफुल स्क्रीन कैसे डिजाइन करूंगा, आपसे कभी कोई ब्यूटीफुल स्क्रीन डिजाइन करवाएगा ही नहीं बिकॉज आउट सिस्टम का यूज केस ही नहीं है एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। 99% केसेस में ऐसी ही डिजाइन मिलेगी आपको, सेम टू सेम जो दिख रही है अभी, 99% केसेस में, बिकॉज आउट सिस्टम का यूज केस जो है वो है बैक एंड ऑपरेशंस। सो डिजाइनिंग पे फोकस करना ही नहीं, अगर एक केस आया भी
तो उसके लिए डिजाइनर होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे कोई नहीं बोलेगा कि एक वेबसाइट आउट अमेजोन जैसा वेबसाइट डिजाइन कर दो, कोई बोलेगा ही नहीं कभी। तो उस दिशा में काम करने की भी जरूरत नहीं है हमको। मेरे इट हैज बीन 7 years, मैंने आज तक इवन अ सिंगल कोड नहीं लिखा है डिजाइनिंग का, मेरे पास कभी सिनेरियो नहीं है। जो भी आउट सिस्टम बाय डिफॉल्ट डिजाइन कर देता है, मैंने उसी पे काम किया है। और सर जो हम डेटा इधर अभी आप डेटा दिखा रहे हो ना, नेम यूजर नेम फादर नेम, तो उसे एक आइकॉन देके एक्सेल में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ वो देख लेते हैं, चलिए बहुत अच्छी चीजें है। डू यू हैव एनी आइडिया घनश्याम फरहान, आपको पता है कैसे एक्सेल में डाउनलोड होता है? नहीं सर, टेक्स्ट वाला किया था अभी, एक्सेल वाला तो नहीं। डायरेक्टली होता है वो, आउट सिस्टम गिव्स दैट वे। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक बटन देते हैं एंड दैट बटन विल डाउनलोड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल। जो भी डेटा डेटाबेस में दिख रहा है हमको, इस पे दिख रहा है, और इस पे हम एक आइकॉन भी लगाते हैं। राइट क्लिक, इंसर्ट विजेट, आइकॉन, एंड डाउनलोड एंड मेक इट फॉन्ट साइज एंड जस्ट मार्जिन XS। तो इसने X मार्जिन दे दिया, थोड़ा ब्यूटीफुल लगा, ठीक है। क्लिक किया इस पे, इसकी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी को मैंने सेट किया, डाउनलोड ऑन क्लिक। नाउ डाउनलोड इज अगेन सर्वर साइड प्रॉपर्टी, मैं क्लाइंट साइड से डेटा लेकर डाउनलोड नहीं कर सकता, आई विल हैव टू कॉल द सर्वर। सो ये जो हमने एक्शन लिखा, नाउ दिस इज द करेक्ट ऑपरेशन। अगर हम यहीं पर क्वेरी लिख देते तो क्या होता, हमें वापस से एक और एक्शन लिखना पड़ता डाउनलोड के लिए, रन करने के लिए, राइट। सो अभी हमारा एक्शन लिखा हुआ है, डाउनलोड के लिए भी हम इसी को यूज करेंगे और हमने शो करने के लिए भी इसी को यूज किया, दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी डाउनलोड इज अ सर्वर साइड प्रॉपर्टी, तो मुझे डाउनलोड का एक एक्शन लिखना पड़ेगा, डाउनलोड यूजर इंफॉर्मेशन, एंड ये मुझे एक बाइनरी फाइल देगा। एक्सेल इज अ बाइनरी फाइल, राइट, फाइल रिटर्न करेगा, कोई फिल्टर कंडीशन नहीं भेज रहा हूँ, जो भी है पूरा का पूरा 100% डाउनलोड करना है, ठीक है। सो अभी आई कैन डायरेक्टली कॉल दिस, मुझे मेरा पूरा डेटा मिल गया है, यूजर इंफॉर्मेशन लिस्ट, राइट, ये पूरा डेटा आ गया मेरे पास, इसको जैसे ही कॉल किया। समझ में आया ना ये? खाली आपने सर्वर साइड कॉल किया उसको। हाँ, मैंने एक सर्वर एक्शन लिखा डाउनलोड के लिए, तो अब मुझे डाउनलोड करने के लिए पहले तो डेटा चाहिए होगा, राइट, तो मैं एग्रीगेट लगाऊंगा, एक्सक्यूएल लगाऊंगा, डेटा फेच करके लाऊंगा। बट वो काम मैंने डायरेक्ट किया है ना अभी, तो गेट यूजर इन्फॉर्मेशन सर्वर एक्शन में, ये वही तो कर रहा है, यूजर इन्फॉर्मेशन का लिस्ट दे रहा है, देन आई यूज द सेम फंक्शन। अब इसके आउटपुट पे मेरे पास डेटा है, नाउ आई हैव वन विजेट रिकॉर्ड लिस्ट टू एक्सेल। ये क्या करता है, जो भी लिस्ट इसको दो उसको वो एक्सेल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही मैंने इसको लिस्ट दी, आउटपुट ऑफ दिस, उसने मुझसे पूछा कि कौन कौन से कॉलम रखने हैं, मुझे सारे कॉलम रखने हैं, मैं अगर दो ही सिलेक्ट करूंगा तो दो ही कॉलम आएंगे, मैंने सारे सिलेक्ट कर दिए, सारे आएंगे, ठीक है। सो नाउ दैट्स इट, अभी ये मुझे एक बाइनरी फाइल रिटर्न कर देगा, मैं जो फाइल भेज रहा हूँ वापस कंज्यूमर को, मैं रिकॉर्ड लिस्ट टू एक्सेल का जो भी मुझे रिटर्न आया है वो मैं फाइल में दे दूंगा, राइट। नाउ मेरे पास ये डाउनलोड यूजर इंफॉर्मेशन का फंक्शन अवेलेबल है, मैं उसको कॉल करूंगा यहाँ पे, डाउनलोड यूजर इंफॉर्मेशन। अब ये मुझे क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा है, एक्सेल में कन्वर्ट कर रहा है और रिटर्न दे दे रहा है। सो इनसाइड डाउनलोड ऑन क्लिक पे मेरे पास में यूजर इंफॉर्मेशन आई, और एक यूजर इंफॉर्मेशन की पूरी डिटेल आ गई एज अ बाइनरी। नाउ आई विल यूज दिस डाउनलोड विजेट, दिस इज द क्लाइंट साइड प्रॉपर्टी एंड देयर विल बी नो एंड इफ आई एम यूजिंग डाउनलोड। ये फाइल कंटेंट लेगा, दैट इज दैट विल बी अ बाइनरी डाटा, और इसका रिटर्न टाइप मेरे पास बाइनरी है। सो मैं अगर सजेशन देखूँ तो डायरेक्टली इट इज अवेलेबल, एंड मुझे एक फाइल नेम देना होगा,
विद एक्सटेंशन, अगर इसको होवर करते हैं, टेक्स्ट लिटरल और एक्सप्रेशन विद द नेम ऑफ फाइल इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन, तो मुझे एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा। आई नो दिस इज द एक्सेल फाइल, सो .xlsx में एक्सटेंशन दे दूंगा, एंड यूजर इंफॉर्मेशन डेटा प्लस करंट डेट टाइम, ताकि एवरी टाइम वो नया फाइल नेम बनाए करंट डेट टाइम से, क्योंकि एवरी टाइम बदल जाएगा। .xlsx दिस इज माय फाइल नेम, दैट्स इट। एक चीज और देख सकते हैं इसके बाद अपन, आपने वो डिलीट फरान, आपने वो डिलीट वाला किया है ना चेकबॉक्स में, मैं चेक करके डिलीट करूंगा। चेकबॉक्स में चार को चेक किया, डिलीट किया तो चार डिलीट हो गए, किया है ना वो? डिलीट नहीं, वो जेंडर अपडेट वाला था। हाँ सॉरी, जेंडर अपडेट। सो हाँ हो गया, तो वो कैसे किया? मुझे तो 5 मिनट दीजिए ना, ठीक है, थोड़ा सा मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी व्हेन आई क्लिक ऑन डाउनलोड इट विल टेक सम टाइम एंड माय फाइल इज डाउन, फाइल हैज बीन डाउनलोडेड। अगर मैं फाइल को ओपन करता हूँ, दिस इज माय फाइल, दैट्स इट, क्लियर? हाँ सर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन आई डोंट थिंक कि ठीक है, ऐसा सीनारियो आ सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं कि जो दिख रहा है हमको वो नहीं डाउनलोड करना है, कुछ और डाउनलोड करना है। पहला वेरिएशन तो ये होता है, दूसरा मैं जो सिलेक्ट करूँ वो डाउनलोड हो सिर्फ। सो ये आपका एक्सरसाइज है, आपने जो चेकबॉक्स वाला एक्सरसाइज करोगे ना, मैंने ये इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया एंड उसको डाउनलोड किया, या फिर फिल्टर कंडीशन लगाई। अभी फिल्टर कंडीशंस भी हमको देखनी है, फिल्टर कंडीशंस भी लगती है बहुत सारी। सो दैट्स इट फॉर दिस डाउनलोड। इसमें सिमिलरली हम अपलोड भी कर सकते हैं, हम एक्सेल शीट से अपलोड भी कर सकते हैं यूजिंग दिस। बहुत सारे मतलब मैं वही पूछने वाला था कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल फाइल हो और वो हमें वेबसाइट पे दिखे हुए स्क्रीन पे, स्क्रीन पे दिखे मतलब, मतलब जो हम अभी यूजर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यूजर इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे, मतलब वहाँ एक ऑप्शन हो, वहाँ से हम एक्सेल फाइल अपलोड करें और आफ्टर अपलोडिंग वो वहाँ पे शो हो जाए, डेटा शो हो जाए ना, डेटा शो, फाइल शो हो जाए, डेटा हाँ। फाइल मतलब मेरे पापा ने क्वेश्चन पूछा था ये मुझे कि अगर हम एक्सेल फाइल जहाँ पीसी पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडिट करते हैं ना, तो हम उससे आउट सिस्टम की हेल्प से लेके उधर ही एडिट कर सकते हैं क्या स्क्रीन पे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको पूरा एक्सेल लिखना पड़ेगा, पूरा एक्सेल का लॉजिक लिखना पड़ेगा, पूरा एक्सेल बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स राइट। नहीं तो एक्सेल के कितने सारे वेरिएशन निकल आते मार्केट में, बट कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सेल टू रिकॉर्ड लिस्ट। मतलब हम जिस तरह हमने रिकॉर्ड लिस्ट को एक्सेल में कन्वर्ट किया, वी विल यूज दिस जस्ट एक्सेल टू रिकॉर्ड लिस्ट। ये बाइनरी फाइल लेगा और फाइल कंटेंट उसको डेफिनेशन देनी होगी कौन से ऑब्जेक्ट में मुझे कन्वर्ट करना है। सो हमारा ऑब्जेक्ट यही है, अगर हम सेम फाइल देते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यूजर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, कहाँ गया वो स्ट्रक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फाइल कंटेंट मुझे बाइनरी फाइल देनी होगी जो मैं लेके आऊंगा, एंड उसकी शीट नेम देनी होगी कि कौन सी शीट को मुझे कन्वर्ट करना है। तो अभी इसका जो आउटपुट होगा वो मेरा स्ट्रक्चर का लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। देन अब मैं उसको लूप लगा के एक एक करके इंसर्ट कर सकता हूँ, ये करके ये आप करिएगा, दिस इज योर एक्सरसाइज। मैं तो बताऊंगा मैं सर, नहीं लैंग्वेज एडिट कर सकते हैं क्या?
क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज डाल सकते हैं क्या, मतलब हिंदी मराठी में अगर उसको एडिट करना हो? हाँ, मल्टीलिंगुअल है, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मल्टीलिंगुअल लोकल्स। हाँ, तो मतलब उसे कैसे करेंगे? दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट देर आर सम कॉन्फ़िगरेशन। करते हैं उसको, थोड़ा बेसिक्स आपका क्लियर हो जाए। कुछ नहीं है, आपको ऐड लोकल्स करने हैं। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सी लैंग्वेज का लोकल कर ऐड करना है, मराठी, मराठी इंडिया। अब जितने भी मेथड्स हैं आपके, जितने भी मैसेजेस हैं आपके सिस्टम में, जितने भी वो, उसका आपको मराठी ट्रांसलेशन यहाँ डालना होगा। ठीक है, आपने मराठी ट्रांसलेशन डाल दिया, फिर आपको एक बटन देना होगा यूआई पे कहीं पर जो सिस्टम को बता दे कि नाउ ट्रांसलेट इन मराठी। एक ही एक्शन है जिसको कॉल करना है, बट ये कॉन्फ़िगरेशन लगेगा इसमें थोड़ा सा। इट इज अ कॉन्फ़िगरर पार्ट, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक इन्वॉल्व। आपको सिर्फ थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना है एप्लीकेशन में, एंड ऑटोमेटिकली आउट सिस्टम विल हैंडल दैट। सो करेंगे इसको बाद में, देखेंगे। अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आउट सिस्टम का, देन आप खुद भी फिगर आउट कर लोगे कि इसको कैसे यूज करना है। मतलब ना सर, मेरे पापा ना एक काम कर रहे थे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फिलिंग का, उनके एक्सेल में पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना स्कूल में का डेटा फिल कर रहे थे, तो एक्सेल में ना इनबिल्ट एक फॉर्म का ऑप्शन आता है, तो ऑटोमेटिकली जहाँ हम जैसे यहाँ पे इनपुट बना रहे हैं ना, इनपुट नेम यूजर नेम, तो एक्सेल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, बट ना वहाँ लैंग्वेज नहीं आ रहा था, कल इंग्लिश में ही आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि आउट सिस्टम में होता है क्या। ठीक है, कर सकते हो आप, वो फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पर लोकल डिफाइन कर सकते हो। इसलिए मैंने पूछा कि अगर मैं आउट सिस्टम में स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का कुछ पेज बना सकते हो, डाउनलोड करके एक्सेल में कन्वर्ट करके दूं उनको, ऐसा बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। हर टाइम उन्हें पीसी ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो वेबसाइट से ही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अदरवाइज हम एक ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कुछ और है क्या, जो कुछ क्वेश्चन है आपका, फरहान, आपका, स्मिता, घनश्याम? नो सर। ठीक है, हम एक देखते हैं, हम ईमेल कैसे कर सकते हैं आउट सिस्टम से। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर, वो 27 तारीख को है ना ईमेल का एक रजिस्ट्रेशन हमने किया था शायद, वो चेक कैसे होगा कि हो गया है, मतलब आपकी साइड से चेक कर सकते हो क्या? मैंने रजिस्टर तो किया था। तो या तो हम मल्टी सिलेक्ट खुद बनाएं, या फिर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स बने हुए हैं फोर्ज के, हम उसको यूज करें। सो फॉर नाउ, अब ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको बनाने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर हमें जस्ट चेक करना है कि हम बना सकते हैं कि नहीं, या फिर कैसे बनाएंगे, उस तरह का लॉजिक कैसे लिखेंगे, तो हम वो एक्सरसाइज कभी करेंगे इन फ्यूचर, बट फॉर नाउ वी विल यूज द एग्जिस्टिंग कॉम्पोनेंट। सो अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फोर्ज कॉम्पोनेंट सर्च करना हो, सो यू हैव अ फोर्ज ऑप्शन हियर, this is the list, this is the search, we have to select, search for multi select, just select for multi, search for multi, we have this much of multi select. ab aapko to pata nahi ki kaun sa use karna hai, to aap ek ek ja karke uske reviews pad karke dekh sakte ho, but this multi select I have used and ye hamare jitne bhi use karte the sabko suffice karta hai, ye हाफिजुद्दीन एम ने लिखा है और उसने अपना कंपोनेंट डाला है, हम इसको यूज़ करते हैं। आप उसका आइकॉन देख करके समझ जाओगे, आप भी सेम यूज़ कर सकते हो, बढ़िया मल्टी सिलेक्ट है। अगर आप इसका स्नैपशॉट देखो तो, या हमारा यही रिक्वायरमेंट है कि हम सर्च भी कर पाए, हम सिलेक्ट कर ले, और हमें यहाँ पर दिख भी जाए कि क्या क्या सिलेक्टेड है, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। दिस इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट गिविंग मी इंस्टॉल ऑप्शन, आपको इंस्टॉल ऑप्शन देगा ये, तो आप उसके क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो यहाँ पर इस तरह से इंस्टॉल हो चुका होगा। नाउ यू हैव टू यूज दैट, सो ये आपके एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टी है, अभी आपके एनवायरनमेंट में आ चुका है,
अगर आप इसे राइट क्लिक करके ओपन करो, क्लिक करके ओपन करो, सो आप उसका लॉजिक देख सकते हो कि क्या लिखा है। सो सिमिलर, एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में कंडीशंस है बहुत सारी, और एक लिस्ट है जो शो कर रही है, उस लिस्ट में चेकबॉक्स है और एक्सप्रेशन है और कस्टमाइज्ड टेक्स्ट है। अब ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि ये कैसे लिखा उसने ये सारा लॉजिक, और एक वेब ब्लॉक बनाया सिंपल, दिस इज द वेब ब्लॉक, और उसका एक आइकॉन दे दिया वेब ब्लॉक का अपने लोकल सिस्टम से बना के पेंट ब्रश में। सो जितने भी एडवांस कंपोनेंट्स है, जितने भी कस्टमाइज्ड यूआई कंपोनेंट्स है, वो वेब ब्लॉक की हेल्प से ही बनते हैं। तो हमें वेब ब्लॉक ही लिखना पड़ेगा सब कुछ बनाने के लिए, जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब वेब ब्लॉक ही है। बट कुछ आउटसोर्स ने डिफॉल्ट बना दिए हैं, अगर खुद का बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं। सो नाउ हमें मल्टी सिलेक्ट को प्लग करना है अपने सिस्टम में, अपने एप्लीकेशन में। सो मल्टी सिलेक्ट पैटर्न, दिस इज द मॉड्यूल एंड आई विल सिलेक्ट दिस। ऑटोमेटिकली इट इज सिलेक्टिंग मल्टी सिलेक्ट बिकॉज कहीं ना कहीं ये यूज कर रहा है इस स्ट्रक्चर को, तो हमें वो स्ट्रक्चर भी लेना ही पड़ेगा। नाउ अगर आप एलिमेंट के अंदर जाएंगे, सो इंटरफेस में दिस इज माय मल्टी सिलेक्ट पैटर्न मॉड्यूल, उसके अंदर मल्टी सिलेक्ट टू, बिकॉज मेरे पास भी मल्टी सिलेक्ट नाम से एक यूआई फ्लो है, दैट्स व्हाई उसने ऑटोमेटिकली टू कर दिया, और ये मेरा मल्टी सिलेक्ट। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकता हूँ, दैट्स इट। अब ये क्या लेता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट लेता है। सो अब इसका जो डेटा टाइप है ड्रॉप डाउन लिस्ट का, अगर मैं होवर करूँ तो वो मल्टी सिलेक्ट रिकॉर्ड लिस्ट लेता है, दिस इज माई मल्टी सिलेक्ट रिकॉर्ड लिस्ट, इस टाइप की लिस्ट लेता है वो, आईडी उसकी वैल्यू और इज सिलेक्टेड ट्रू और फॉल्स। अब अगर मेरे पास इसी रिकॉर्ड टाइप का इसी टाइप का लिस्ट अवेलेबल है, तो मेरे मुझको वो डायरेक्ट सजेशन दे देगा एंड डायरेक्टली अवेलेबल होगा सिलेक्शन के लिए। नहीं है तो जो है मैं वो सिलेक्ट करूंगा एंड मैपिंग करूंगा। मेरे पास गेट यूजर इंफॉर्मेशन है, मैंने सिलेक्ट करी, उसने सिलेक्शन को ट्रू कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बट मुझे मैपिंग करके देनी होगी। बाई डिफॉल्ट उसने आईडी को आईडी से बाइंड कर लिया, आउटसिस्टम स्मार्ट इनफ उसे लगा कि मैं इसी आईडी की बात कर रहा हूँ, कर दिया। और नेम को किससे बाइंड करना है, उसको तीन वैल्यूज मिली, सो उसने ऑटोमेटिक नहीं किया, मुझे नेम से करना है। सो नेम उसको दिखेगा, जब भी सिलेक्ट करेंगे तो आईडी सिलेक्ट हो जाएगा। इज सिलेक्ट, अगर मुझे बाय डिफॉल्ट किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्टेड रखना है, तो मैं यहाँ पर ट्रू या फॉल्स दे सकता हूँ। अगर मैंने ट्रू दे दिया है तो वो सभी ऑप्शंस को ट्रू कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। फॉल्स दिया है तो सभी ऑप्शन को अनसिलेक्ट कर देगा। किसी को सिलेक्ट, किसी को अनसिलेक्ट करना है तो मुझे ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और कुछ चेक होगा मेरे पास, राइट, कौन सा सिलेक्टेड है कौन सा नहीं। सो वो मुझे ड्राइव करना पड़ेगा, और जो अपनी लिस्ट है, मेरी लिस्ट का है, ये है मेरी लिस्ट, इसी में मुझे एक और वेरिएबल लेके आना होगा लॉजिकली, इज सिलेक्ट, इज सिलेक्ट, ठीक है। और जो इज सिलेक्ट है वो बुलियन टाइप का होगा, और उसकी वैल्यू, और इसको मुझे कुछ भी फॉर्मूला देना है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स। अब मैं यहाँ पर कस्टमाइज फॉर्मूला लिख करके डिसाइड कर सकता हूँ कि किसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है, या तो यहाँ कर सकता हूँ, या इसको फेच करने के बाद मैं लॉजिकली डिसाइड कर सकता हूँ, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट हो, जैसा भी मेरे पास में यूज केस अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग। सो जिसमें भी ट्रू सेट हो जाएगा, अभी मैंने इसको चेक करके बताता हूँ तब आपको थोड़ा क्लियर होगा। अभी यहाँ मैंने इज सिलेक्ट ले लिया, अब जिसके लिए भी मैंने ट्रू सेट किया है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं तो और क्लियर होगा। प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, अगर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं हो तो मुझे क्या प्रॉम्प्ट देना है, सिलेक्ट एनी, सिलेक्ट यूजर्स, दिस इज माई प्रॉम्प्ट टेक्स्ट। नाउ आफ्टर सिलेक्टिंग इट रिक्वायर्स टू हैंडल द ऑन चेंज इवेंट, कि जब भी इस पे चेंज हो या जब भी कोई सिलेक्शन अनसिलेक्शन परफॉर्म हो तो कौन सा इवेंट है जो हैंडल होना चाहिए, बिकॉज उसने लिखा है ऑन चेंज इवेंट, दिस इज द ऑन चेंज इवेंट, मैंडेटरी है। और जो सिलेक्टेड आइटम की लिस्ट देता है, तो जैसे ही मैं इसे हैंडल करूंगा,
मल्टी सिलेक्ट ऑन चेंज मेरे पास इस हैंडलर में हैंडल हो रहा है, जो मुझे सिलेक्टेड आइटम की लिस्ट दे रहा है, जितने भी सिलेक्टेड आइटम है उसकी मेरे पास लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट का मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, मैं किसी लोकल वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ कि ये सिलेक्शन है, ठीक है। फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी लेंथ बताता हूँ यूजर को सिलेक्टेड आइटम्स की, कि कितने आइटम सिलेक्ट हुए, एटलीस्ट हमें पता चले। देखते हैं इसको, फिर समझते हैं एक बार और, वॉक थ्रो करते हैं कि हमने क्या क्या किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी इसका यूज करते हैं हम, बहुत जगह यूज होता है। द बेसिक यूज केसेस, यूजर मैनेजमेंट में यूजर बनाते समय उसको रोल असाइनमेंट, एक यूजर को हम मल्टीपल रोल असाइन कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर मल्टी सिलेक्ट लगेगा, और जो भी रोल उसको असाइन करना हो वो रोल हम उसको मल्टी सिलेक्ट की हेल्प से चेक करके असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शो यू, मेरे पास में लिस्ट है ये, एंड मेरे पास कस्टमाइज्ड टेक्स्ट क्यों आ रहा है, ये कस्टमाइज्ड टेक्स्ट है यहाँ पर, क्योंकि मैंने कुछ कर दिया है उसमें। हाँ, ये मैंने डाला है, मैं कुछ कर रहा था, दैट्स व्हाई आ रहा है। लेट मी रिमूव, आप चेंज भी कर सकते हो, बिकॉज नाउ दिस इज योर प्रॉपर्टी, आपके सिस्टम में आ गया है। अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंज लग रहा है, देन यू कैन चेंज। अभी मैंने इसको पब्लिश किया है, तो मुझे मैं देखता हूँ यहाँ पर दिखता है कि नहीं, यहाँ पर अभी भी दिख रहा है, क्योंकि मेरा सिस्टम, मेरा एप्लीकेशन, मेरा मॉड्यूल तो अभी आउटडेटेड वर्जन को, ओल्ड वर्जन को रेफर कर रहा है। और जब मैंने इसे पब्लिश किया तो इसने मुझे वार्निंग भी दी, कंज्यूमर मॉड्यूल लर्न आउट सिस्टम स्क्रूड एक्सरसाइज ओएस इन 20 डेज एंड आउट सिस्टम डेमो, इन तीन जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ थ्रू आउट द एनवायरनमेंट इज आउटडेटेड, इसका मतलब मुझे इनको रिफ्रेश करना होगा। तो यहाँ पर जाऊंगा, मेरे पास रिफ्रेश का ऑप्शन अवेलेबल है, रिफ्रेश हो गया, पब्लिश किया, नाउ इट विल बी रिफ्रेश। हाँ, सो अभी हम, सॉरी शेयर स्टॉप हो गया क्या, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? दिस इज माई डेटा, मैंने एक सिलेक्ट किया, मैंने दो सिलेक्ट किया, अभी ये मेरे लिस्ट में आईडी वैल्यू दोनों जा रही है, और लेंथ पूरा पूरा लिस्ट जा रहा है। तीन सिलेक्ट किया, एक कौन सिलेक्ट किया, तो अभी ये दो की लिस्ट चली गई, जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं उनकी लिस्ट मुझे जाती जा रही है। नाउ अब इस लिस्ट को मैं यूज कर सकता हूँ, मेरे पास अभी 10 सिलेक्शन की लिस्ट है, तो जो यहाँ पर मल्टी सिलेक्ट ऑन चेंज में मेरे पास इस लिस्ट में 10 रिकॉर्ड है। अब मुझे वो 10 रिकॉर्ड को, इसका स्कोप सिर्फ इतना ही है, तो मुझे एक लोकल वेरिएबल लेना होगा सेम टाइप का। मैं सिलेक्टेड आइटम्स का एक लोकल वेरिएबल ले सकता हूँ, सिलेक्टेड यूजर्स, एंड दिस विल बी लिस्ट ऑफ मल्टी सिलेक्ट, और मैं इस सिलेक्टेड यूजर में डाल सकता हूँ ये सिलेक्टेड आइटम्स। नाउ अब ये मेरे पास ग्लोबली इन इन द स्क्रीन सिलेक्टेड यूजर्स अवेलेबल है। अब मेरा कोई सेव एक्शन का बटन है, या सेव या अपडेट का जो भी फंक्शनलिटी है, मेन फंक्शनलिटी, मेन लॉजिक, मैं वहाँ पर इस सिलेक्टेड यूजर्स को यूज़ कर सकता हूँ, जैसा भी करना हो। मुझे डेटाबेस में एंट्री डालनी हो तो मैं डेटाबेस में डाल सकता हूँ, मैं जहाँ डालना हूँ वहाँ डाल सकता हूँ। समझ में आया आपको ये मल्टी सिलेक्ट का यूज़ कैसे करना है, क्या करना है? यस सर। ओके, एक अब हम एग्जिस्टिंग सिलेक्टेड का सिनेरियो देखते हैं। तो सिनेरियो ये है कि हमारे पास में जो भी मेल हो वो सारे सिलेक्टेड हो, जस्ट अ सिंपल सिनेरियो, ठीक है। जितने भी मेल यूजर्स है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो, फीमेल यूजर अनसिलेक्टेड हो, या फीमेल सिलेक्टेड हो जाए, मेल अनसिलेक्टेड हो जाए। तो हमारे पास में सिलेक्शन अनसिलेक्शन, डिफॉल्ट सिलेक्शन, डिफॉल्ट
अनसिलेक्शन को हैंडल करने के लिए इज सिलेक्ट वेरिएबल है। क्या करूंगा मैं, कोई गाइड करो मुझे। गाइड करो, कैसे बताऊंगा कि इसको सिलेक्ट करना है, इसको अनसिलेक्ट करना है। किसी के लिए मुझे इस किसी किसी पर्टिकुलर रो के लिए ये ट्रू होगा, किसी के लिए फॉल्स होगा। दिस इज सिलेक्ट, जो मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड वेरिएबल लिया है। बताइए, ये है हमारे पास में कैलकुलेटेड वेरिएबल। इसकी कंडीशन लिखनी होगी बस, क्या होगी वो कंडीशन? राइट, सो जेंडर आईडी इज इक्वल टू एंटिटीज डॉट जेंडर डॉट मेल। अब अगर ये इज इक्वल टू जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर जो जेंडर आईडी है वो इस मेल की जेंडर आईडी के बराबर है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पर देखो, इसके लिए ट्रू, इसके लिए फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, सिलेक्ट सेट हो गया ऑटोमेटिकली। अभी मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि मैंने डायरेक्टली वो कंडीशन दे रखी है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा वो। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डिफाइन करके रखा है इस सिलेक्ट, इस सिलेक्ट, दिस इज माय डिफॉल्ट सिलेक्शन। ठीक है, मेरा डिफॉल्ट सिलेक्टेड है सभी, और मेरी लिस्ट में भी है। बट सिनेरियो जब डिफॉल्ट सिलेक्शन का सिनेरियो होता है तो वो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, मेरे मुझे यहाँ पर तो सारे यूजर्स की लिस्ट दिखानी है, लेकिन जब मैं सेव कर रहा हूँ तो जो सिलेक्टेड यूजर थे वो मैं किसी और जगह यूज सेव कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे वो दूसरी एंटिटी से डेटा लेके आना होगा, उसमें कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं, वो प्रोसेस करनी होगी इसके ऑन आफ्टर फेच में। और जो जो भी मुझे दूसरी एंटिटी में मिल रहे हैं उनके लिए इस सिलेक्ट को ट्रू सेट करना होगा। इन जनरल इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है। समझ में आया आपको मल्टी सिलेक्ट? यस सर। ओके, तो हमने मल्टी सिलेक्ट देखा है, हमने सिंगल सिलेक्शन देखा है, हमने डिफॉल्ट कैसे सेट सिलेक्ट करना है वो भी देखा था हमने, राइट? कल ही देखा था वेब ब्लॉक का, जब हमने एग्जांपल लिया था तो हमने गेट यूजर आईडी करके डिफॉल्ट सेट किया था अंकित गंगराड़े को। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। तो अभी जो रघु का क्वेश्चन था कि एक सिनारियो लेते हैं जिसमें हमको दो वेब ब्लॉक हो, एक वेब ब्लॉक से दूसरे वेब ब्लॉक में पास करे। सो हमारे पास हमको दो एंटिटीज लेनी, मैं आपको सिनारियो देता हूँ। एक है सिटी, एक है कंट्री। ठीक है, सो देयर शुड बी two entities, okay? अब आपको इनके लिए सबसे पहले तो पेज बनाना है। Create page to insert into respective entity, जिसमें मैं सिटी भी ऐड करूँ, कंट्री भी ऐड करूँ। एक मिनट है, मेरे पास में रिक्वायरमेंट, वन मिनट अगर होगा तो अच्छी बात है। Give me a minute. It works. That's correct. Okay. Okay.
ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, एक असाइनमेंट करना है हमें पैरेलल ड्रॉपडाउन का। सो रिक्वायरमेंट क्या है, क्रिएट एन एप्लीकेशन वेयर यूजर कैन ऐड सिटी एंड कंट्री डिटेल। सिटी कैन बी लाइक दिस, राइट, दिस इज माय सिटी लिस्ट, मैं ऐड सिटी कर सकता हूँ। जब मैं ऐड सिटी करूँ तो मुझे सिटी का नाम डालना है और उसकी एसोसिएटेड कंट्री का नाम डालना है, ठीक है। देन मैं, ठीक है, सिटी कैन बी मार्क्ड एज द कैपिटल ऑफ कंट्री, और मैं इस कंट्री, वन मिनट कहाँ गया, हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ। क्रिएट एन एप्लीकेशन वेयर यूजर कैन ऐड अ सिटी एंड कंट्री डिटेल। सिटी कैन बी मार्क्ड एज अ कैपिटल ऑफ कंट्री, सो मुझे जो सिटी का फॉर्म है उसमें एक चेकबॉक्स देना है जिससे मैं उस सिटी को जो भी कंट्री सिलेक्ट किया है उसका कैपिटल मार्क कर सकूं। इफ कैपिटल इज डिफाइंड फॉर एनी कंट्री, इट शुड नॉट अलाउ यूजर टू मार्क अनादर सिटी एज अ कैपिटल ऑफ द सेम कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहली सिटी ऐड करी, उसको दिया मैंने मुंबई, और कंट्री सिलेक्ट किया इंडिया, और मैंने इस कैपिटल चेक नहीं किया बिकॉज मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। देन मैंने दिल्ली किया एंड मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, देन मैंने इस कैपिटल चेक किया, सेव किया। देन मैं पुणे आया, फिर मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, तो अब मुझे इस कैपिटल का चेकबॉक्स दिखना ही नहीं चाहिए बिकॉज मैं ऑलरेडी इंडिया के लिए इस कैपिटल सेट कर चुका हूँ, ठीक है, समझ में आया? ये तीन पॉइंट समझ में आए सभी को? यस सर। ठीक है, नाउ क्रिएट अ पेज एंड नेम इट पैरेलल ड्रॉपडाउन। सॉरी फॉर दिस टाइपिंग मिस्टेक। पैरेलल ड्रॉपडाउन, अब इस पैरेलल ड्रॉपडाउन में दो वेब ब्लॉक होंगे। पहला वेब ब्लॉक होगा जो मुझे कंट्री की लिस्ट देगा, दूसरा वेब ब्लॉक होगा जो मुझे सिटी की लिस्ट देगा, ठीक है, लाइक दिस। पैरेलल ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कंट्री, ये वेब ब्लॉक मुझे कंट्री की लिस्ट देगा, ये वेब ब्लॉक मुझे सिटी की लिस्ट देगा। बाय डिफॉल्ट कंट्री की लिस्ट में सारी कंट्री होगी प्री पॉपुलेटेड, सिटी की लिस्ट में कोई सी भी सिटी प्री पॉपुलेट नहीं होगी। जैसे ही मैंने कोई सी कंट्री सिलेक्ट की, वो ऑटोमेटिकली इस कंट्री के एसोसिएटेड सिटी को पॉपुलेट कर देगा। प्लस डिफॉल्ट जो 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 सिटी उस कंट्री की कैपिटल है उसको डिफॉल्ट सिलेक्ट कर देगा। समझ में आई रिक्वायरमेंट? यस सर। सिंपल रिक्वायरमेंट है लेकिन तीन उसमें मेन वैलिडेशन है। सिटी का पेज बनाना है, कंट्री का, जैसे हम अभी तक सारे पेज बनाए हैं, सिटी का पेज बनेगा, कंट्री का पेज बनेगा, कंट्री ऐड करना है, कंट्री एडिशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट कंट्री का नाम डालना है, सेव करना है, और कुछ भी नहीं। सिटी का पेज बनेगा जिसमें सिटी का नाम डालना है, कंट्री सिलेक्ट करना है, और एक चेकबॉक्स भी देना है इज कैपिटल, ठीक है, सिंपल दे दिया, सेव कर दिया, डेटा सेव हो गया। नाउ एक पैरेलल ड्रॉपडाउन का पेज बनाना है जिसमें दो ड्रॉपडाउन होंगे, एक होगा कंट्री का, एक होगा सिटी का। ये आपको वेब ब्लॉक में बनाना है, दो वेब ब्लॉक होंगे, एक कंट्री का वेब ब्लॉक, एक सिटी का वेब ब्लॉक। इसमें वेब ब्लॉक नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको वेब ब्लॉक के अंदर करना है। एंड जैसे ही मैं कंट्री सिलेक्ट करूँ उसके एसोसिएटेड सिटी की लिस्ट आ जाए, दैट्स इट। लेकिन इसमें तीन मेन वैलिडेशन लॉजिक क्या है, पहला कि जब मैं सिटी को इज कैपिटल मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहीं पर शो नहीं किया, वो मुझे करना चाहिए था, ठीक है, इसके नीचे कंट्री के नीचे एक चेकबॉक्स होगा इज कैपिटल। अगर मैं किसी सिटी को किसी कंट्री का इज कैपिटल मार्क कर रहा हूँ तो सब्सिक्वेंट एडिशन में अगर मैं वही कंट्री सिलेक्ट करता हूँ, अब वो चेकबॉक्स मुझे दिखना ही नहीं चाहिए बिकॉज ऑलरेडी एक सिटी मार्क्ड है एज अ कैपिटल, दूसरी सिटी नहीं हो सकती। इट मीन्स इन शॉर्ट आपको वैलिडेशन लगाना है कि एक कंट्री की एक ही सिटी कैपिटल हो। अब आप उसे कैसे भी ड्राइव करें, जरूरी नहीं है कि आप वो चेकबॉक्स प्रोवाइड करें, आपको जैसे करना वैसे कर सकते हैं। मुझे वो फंक्शनैलिटी नहीं देनी है कि मैं एक ही सिटी की
मल्टीपल एक ही कंट्री की मल्टीपल कैपिटल मार्क कर सकूं, ठीक है, ये फंक्शनलिटी नहीं देनी। लेकिन मैं कैपिटल चेंज कर सकता हूं, आज दिल्ली है कल मुझे मुंबई करना है उसकी कैपिटल इंडिया की, वो फंक्शनलिटी मुझे चाहिए, ये ध्यान रखना है। दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन। सेकंड, जब मैं कंट्री सिलेक्ट करूं उसके बाद एसोसिएटेड सिटी पॉपुलेट हो। एंड थर्ड वेरिएशन, जो एसोसिएटेड सिटी पॉपुलेट हुई है उसमें वो सिटी डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाए जो कैपिटल है उस कंट्री की। अगर कैपिटल नहीं है, कोई कैपिटल डिफाइन नहीं है, तो कोई सी भी सिटी सिलेक्ट ना हो, सिलेक्ट अ सिटी डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाए, और सिलेक्ट अ कंट्री भी मुझे ऐसा चाहिए। बाय डिफॉल्ट कोई सी भी कंट्री सिलेक्टेड ना हो, यूजर को सिलेक्ट करने की फ्रीडम हो कि आप सिलेक्ट करो। समझ में आई रिक्वायरमेंट? इसमें हमने पूरा इम्प्लीमेंट भी किया है, बट इसमें वेब ब्लॉक में नहीं किया है, सिंपल किया है। लेकिन अभी अपने को वेब ब्लॉक से करना है, ताकि अपना ये सिनेरियो भी कवर हो जाएगा कि एक वेब ब्लॉक से दूसरे वेब ब्लॉक को मैंने क्या कंट्री सिलेक्ट की है, ये वेब ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, ये इस वेब ब्लॉक को पता होना चाहिए ना कि क्या सिलेक्ट हुआ है। सो वी आर पासिंग द इनपुट फ्रॉम वन वेब ब्लॉक टू अनदर। सो उसकी हिंट ये है कि मैं इस वेब ब्लॉक से स्क्रीन को पास करूंगा, स्क्रीन से मैं इस वेब ब्लॉक को पास करूंगा। समझ में आया? अच्छी एक्सरसाइज है ये, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें मजा आएगा करने में। एनी अदर क्वेश्चन? आज मृदुल आज भी नहीं आया ना, मृदुल कल भी नहीं थे ना? मृदुल कल था सर, आज नहीं आया वो। यार ऐसा में मजा नहीं आएगा यार रघु। हाँ वो तो है, मैंने बोला उसको, पर वो क्या है उसका 2-3 लेक्चर छूट गया ना बीच के, तो वो कवर करने की कोशिश कर रहा है पहले, बोले मुझे समझ में नहीं आएगा अगर, मैंने बोला कि कर ले, वो सब नए टॉपिक है, रोज़ के जैसे कल वेब ब्लॉग पढ़ाया तो वो थोड़ी ना पहले से ज्यादा कुछ है। हाँ ये सब नए टॉपिक है, और अभी मैंने, आप नहीं थे सुबह, मैंने बोला अब सारे टॉपिक खत्म हो गए, अब इतना ही था आउट सिस्टम, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। अब इसमें थोड़े बहुत ही एडवांस टॉपिक्स बचे हैं जो हम देख लेंगे, बट जितने टॉपिक्स अभी हमने पढ़े, अब इसके वेरिएशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड वेरिएशन बन सकते हैं। अभी हमको ये वेरिएशन पे काम करना है कि हम कैसे मल्टीपल वेरिएशन बना सकते हैं। अभी हम यूजर मैनेजमेंट का, अभी जब 27th को हम ईमेल कर लेंगे ना, तब जो आपने यूजर मैनेजमेंट, यूजर साइनअप किया है, अब आप लोगों ने कितना ऑनेस्टली किया है मुझे, मैंने देखा नहीं एक आपका असाइनमेंट, बट उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि अब जब फॉरगॉट पासवर्ड किया तो उसने ईमेल डाला, तो पहले उसको ओटीपी जाए, फिर वो ओटीपी डाले, फिर वो साइनअप करे, फिर वो पासवर्ड चेंज करे। अब जब उसने साइनअप किया तो पहले उसे अपना ईमेल को वेरीफाई करने का ईमेल जाए, फिर वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में वेरीफाई करे। हाँ बोलो। हाँ सर, जो टास्क मैनेजमेंट का है उसमें जो न्यू टास्क है वहाँ पे जो यूआई बनाना है उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन असेंड टू और दो बटन्स लेके करना है ना वो यूआई पे। हाँ हाँ, कैंसल मतलब बैक और कैंसल या जो भी हम दे रहे हो वो सेव करने के लिए एक। राइट करेक्ट। ओके तो एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? अभी हम कुछ नया नहीं देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। इस ये रखो, आपकी वो एक्सरसाइज हो गई थी क्या, चेकबॉक्स वाली और अपडेट करने वाली? सो चेकबॉक्स की मल्टी सिलेक्शन वाली तो नहीं हुई है मेरी, वो वाली हो गई है अपनी पासवर्ड रीसेट करने वाली तक हो गई थी, उसके बाद में मेरी वो 3 अटेम्प्ट वाली रह गई है और ये मल्टी सिलेक्शन वाली रह गई है। वेब ब्लॉक मैंने कल देखा है वेब ब्लॉक का, तो लेकिन ये दो एक्सरसाइज मुझसे भी छूटी है, ठीक है तो मैं करता हूँ सर। अच्छा तो एक चीज हम देखते हैं, फरहान ने तो कर लिया है। आपने जो बोला है टास्क मैनेजमेंट में,
जब हम सेव करते हैं तब वो जो बटन है उसका कलर चेंज होना चाहिए क्या? हाँ होना चाहिए ना, मतलब ग्रीन वगैरह ऐसा बोला है आपने वहां पे, तो डेटा सेव करते हैं तब बटन का कलर चेंज होना चाहिए क्या? मुझे ध्यान नहीं है यार, देखते हैं लास्ट में देखते हैं, मुझे ध्यान नहीं है आप किसके बारे में बात कर रहे हो, रिक्वायरमेंट समझेंगे उसके बाद करते हैं। ठीक है, अभी अगर मुझे कोई ऐसा सिनारियो हो जिसमें मुझे तब जिसकी आईडी 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, इन चार की एज 50 सेट करनी है, क्या तरीका हो सकता है, कोई आइडिया दे सकता है? दिस इज द प्योर एसक्यूएल, इसका आउट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने मैंने यूआई पे कुछ परफॉर्म किया, मेरे पास आईडीज आ गई 20, 19, 18, 17 मेरे पास है आईडीज अवेलेबल। अब मुझे उन आईडी की सब की एज को 50 सेट करना है, अपडेट करना है। यार आईडी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। अपडेट क्वेरी लिख के, हाँ अपडेट एज इज इक्वल टू 50 वेयर आईडी इन 17, 18, 19, 20 या एग्जैक्टली। सो वो अभी जो हम अपडेट कर रहे हैं जेंडर को, उसमें वही यूज होगा इन क्लॉज इन एसक्यूएल। मैं इन क्लॉज यूज नहीं किया था, आपने लूप लगा के किया था। दैट इज ओके बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि अगर आपको 1 लाख रिकॉर्ड करना हो तो तो आपका लूप इम्परफॉर्मेंट होगा, राइट? 1 लाख बार लूप चल रहा है, सो आइडियली ये उसके लिए हमें हम इनका यूज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल जो है इस इनको बड़े ही परफॉर्मेंट वे में हैंडल कर लेता है। सो अगर मुझे किसी भी चीज को अपडेट करना है तो अपडेट की क्वेरी है सिंपल, अपडेट टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। अगर मुझे 4-5 आईडी एक साथ अपडेट करनी है, सेम वैल्यू अपडेट करनी है, देन आई कैन यूज इन और मैं कॉमा सेपरेटेड आईडीज उसको दे सकता हूं। घनश्याम आपको पता था ये? यस सर। सो आपको, हाँ सो आपको उसमें इस जो जेंडर अपडेट करना है, यू कैन यूज दिस इन जेंडर। तो रघु के लिए अगर आपको अभी जेंडर अपडेट करना है, सो यू कैन सर्च राइट हाउ टू अपडेट अपडेट क्वेरी इन एसक्यूएल। दिस इज, आपको ये आपको पढ़ लेना चाहिए ये, इस वीक आप थोड़ा इसको करिए क्वेरीज को, या फिर हम एक 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 चैप्टर रख लेते हैं, एक सेक्शन रख लेते हैं, एक सेक्शन हम देखते हैं क्वेरीज को ही देखते हैं। हाँ सर, मैं बोलने वाला था आपको, इसे एसक्यूएल का एक सेशन रख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा बेसिक जहां से पढ़ना स्टार्ट हो जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, रख लेंगे बाकी। ठीक है, मतलब अगर आपको नहीं भी पता है ये एसक्यूएल का ना, तो इसका कोई ये ब्लॉकर नहीं है आपका आउट सिस्टम सीखने के लिए, आप आउट सिस्टम में सब कुछ सीख सकते हो, जस्ट आपको अभी वर्क अराउंड है, राइट? आपको जो अपडेट का इन क्लाउज अगर नहीं पता था तो आप लूप लगा के कर सकते हो, दैट इज अ वर्क अराउंड। वो वर्क अराउंड है हमारे पास में, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको आज एसक्यूएल पूरा आना ही चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न आउट सिस्टम और आप डेवलप कर पाओगे, डेवलप आप कर सकोगे, धीरे धीरे इसको भी सीख लोगे, देन दिस विल बी एन एड ऑन, बट आप आउट सिस्टम की प्रैक्टिस तो जारी रखो, वर्क अराउंड से काम कर लो, हमारा फंक्शनैलिटी होना चाहिए कवर। सो मैं कर रहा था ये इन आईडी करके, हाँ जितने भी सिलेक्टेड यूजर थे उनकी आईडीज इन में लेके अपडेट करने वाला था, बट फिर बाद में मैंने उसको लूप में कर दिया कि इसमें एडवांस एक्सेल यूज हो रहा है, तो मैं बोला शायद ये, हाँ इट इज नॉट एडवाइजेबल, बेस्ट प्रैक्टिस कहा तो जाता है कि एडवांस एसक्यूएल इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, ऐसा इसलिए बिकॉज एडवांस एसक्यूएल इट कैन बी एक्सपेंसिव, राइट? ये किस तरीके से हम लिख रहे हैं ये पता होना बहुत जरूरी है, अगर हम एज अ डेवलपर हम गलत तरीके से एडवांस एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट इन दिस सिनेरियो
where I have to delete all, अगर मुझे delete all करना है या फिर delete multiple मैंने selection करे हैं, then we can use, it depends कि क्या scenario है. So, but always we should try कि हम fetch के operation aggregate से कर सके अगर, तो aggregate से करना चाहिए, क्योंकि automatically out system optimize करता है right aggregate को behind the screen. ठीक है. मैं लूप से ही किया था खैर उसको अपडेट, कोई दिक्कत नहीं है. सर एसक्यूएल से कैसे करेंगे वो इंप्लीमेंट, थोड़ा सा करके थोड़ा सा बताएंगे अगेन. हां एसक्यूएल से अभी मैं एंड आपको लॉजिक बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको वो आईडीज लेना, आईडीज को एक वेरिएबल में लेना, एक ये भी एक लॉजिक है जो अभी आपको लिखना पड़ेगा. उसके बाद में एक एक्शन लिख रहेगा जो अपडेट करेगा, अपडेट जेंडर, अपडेट यूजर इंफॉर्मेशन, अब यूजर्स जेंडर. ठीक है, जो यूजर की लिस्ट लेगा, सिलेक्टेड यूजर की लिस्ट लेगा ना ये. हाँ सिलेक्टेड जो हम सिलेक्ट करके लेके आ गए की लिस्ट, यूजर लिस्ट. ठीक है, सो इट विल बी यूजर इंफॉर्मेशन लिस्ट. अब ये यूजर की लिस्ट भी दे सकते हो, डायरेक्ट आईडी की लिस्ट भी दे सकते हो इसको, इतना बड़ा यूजर अगर नहीं देना हो तो. अभी बहुत सारा ऑब्जेक्ट है इसमें, जरूरी नहीं है कि इतना सब कुछ दो. सो हम इसको सिलेक्टेड यूजर्स लिस्ट, ये हो सकता है लिस्ट ऑफ आईडी यूजर आइडेंटिफायर. अभी ये मेरे पास यूजर आइडेंटिफायर्स की आईडी लिस्ट है. ठीक है, अब जो SQL से अगर मुझे करना है, सो मुझे SQL लिखना होगा अपडेट जेंडर, और मुझे जेंडर आईडी भी चाहिए रहेगी राइट, क्या अपडेट करना है, न्यू जेंडर आईडी. अब यहाँ पर मैं अपडेट कर सकता हूँ, मुझे ऑलवेज आउटपुट एक्सपेक्ट कर देना जरूरी है, भले ही मैं अपडेट और डिलीट क्यों नहीं कर रहा हूँ, इट इज मैंडेटरी. सो यूजर इन्फॉर्मेशन मेरा आउटपुट स्ट्रक्चर, भले ही कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा उसको, लेकिन दिस इज मैंडेटरी टास्क. अपडेट यूजर इन्फॉर्मेशन सेट यूजर इन्फॉर्मेशन डॉट जेंडर इज इक्वल टू जेंडर आईडी जो मैं पास करूंगा, दैट विल बी अ पैरामीटर बिकॉज मैं बाहर से पास कर रहा हूँ राइट. तो मुझे एक जेंडर आईडी पास करना पड़ेगा, राइट क्लिक एंड एड अ क्वेरी पैरामीटर दैट इज जेंडर आईडी. And where gender ID is equal to gender ID, set gender ID is equal to gender ID, where user information dot ID in. अब in में मुझे query parameter pass करना पड़ेगा, user ID list, comma separated list, it will be text. एंड ये कॉमा सेपरेटेड 29, 30, 40, 79 ये मैं ऐसे दूंगा. एंड दिस इज द डायरेक्ट, ये क्वेरी पैरामीटर मैंने दिया डायरेक्ट, सो ऑटोमेटिकली आउट सिस्टम बाइंड करता है और समझता है कि मुझे जेंडर आईडी को कंपेयर करना है इस जेंडर आईडी से. बट ये मैंने एक पूरा एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन लिखा है, मैं यहाँ से पूरा एसक्यूएल का इन क्लॉज का पूरा इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ. आउट सिस्टम्स इसको एज अ आउट सिस्टम विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या है. सो उसको मुझे आउट सिस्टम्स को इंस्ट्रक्ट करना होगा कि आप SQL को एज अ पैरामीटर पास न करके एज अ एक्सप्लिसिट क्वेरी पास करो. फॉर दैट ये एक एडवांस थिंग है, ये मैं लास्ट में कवर करने वाला था. वी हैव एक्सपैंड इन लाइन प्रॉपर्टी. If set to yes, the query parameter to implement part of all SQL query at runtime. So, in short, ये क्या करता है? अगर कोई सा भी query parameter expand inline yes है,
मीन्स अगर हम क्वेरी में उस क्वेरी पैरामीटर को यूज कर रहे हैं सो आउट सिस्टम उसे एज अ क्वेरी अंडरस्टैंड करता है नॉट अ पैरामीटर. फॉर एग्जाम्पल ये पूरा स्टेटमेंट 1, 2, 3 मैंने हार्ड कोड किया और ये पूरा स्टेटमेंट मेरे लिए डायनामिक है. ये पूरा स्टेटमेंट वेयर कंडीशन मतलब ये मुझे नहीं पता कि वेयर कंडीशन क्या होनी चाहिए. ये डायनामिक होनी चाहिए कहीं से आ रही है. मैं रन टाइम पे बना रहा हूँ कैलकुलेशन करके कंप्यूटेशन करके वेयर यूजर इन्फॉर्मेशन डॉट आई डी इन 1, 2, 3 ये कंप्यूटेड होके बनी है यहाँ पे एक टेक्स्ट में. वो टेक्स्ट मैंने यहाँ दे दिया. अब अगर इसको मुझे यहाँ क्वेरी पैरामीटर ऐसा क्वेरी पैरामीटर यूज करूँगा राइट सो इट विल गिव एरर बिकॉज आउट सिस्टम विल ट्रीट दिस एज अ क्वेरी पैरामीटर एंड अ कंप्लीट एसक्यूएल स्टेटमेंट इज नॉट अ क्वेरी पैरामीटर. क्वेरी पैरामीटर तो वो होता है जो एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है. दिस इज माई स्टेटमेंट और उसको सपोर्ट कर रहा है दिस पैरामीटर. इन दिस केस दिस इज द क्वेरी पैरामीटर. दिस इज नॉट अ क्वेरी पैरामीटर दिस इज अ क्वेरी इटसेल्फ स्टेटमेंट इटसेल्फ. सो इस तरह के सिनारियों के लिए मुझे इस पर्टिकुलर डायनामिक पैरामीटर को एक्सपैंड इन लाइन यस करना होगा. अब क्या करेगा आउट सिस्टम को पता है कि एक्सपैंड इन लाइन यस है इसका मतलब इसमें जो भी लिखा है वो एक क्वेरी स्टेटमेंट ही है. ये जब हम करेंगे तो जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. इसको अभी इतना लोड नहीं लेते हैं इस पे लाइक दिस. अगर हम जब करें अगर हमें अपडेट करना है तो हम अपडेट यूजर इन्फॉर्मेशन सेट यूजर इन्फॉर्मेशन डॉट जेंडर आई डी इज इक्वल टू जेंडर आई डी. जेंडर आई डी विल बी माई क्वेरी पैरामीटर एंड वेयर यूजर इन्फॉर्मेशन डॉट आई डी इन यूजर आई डी लिस्ट डेट विल बी कॉमा सेपरेटेड 1, 2, 3, 4, 5 एंड डेट विल बी एक्सपैंड इन लाइन बिकॉज ये एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ मैं. तो ये यूजर आई डी लिस्ट पास करूंगा. अब यहाँ से मुझे जेंडर आई डी पास करना है जो मैं इस एक्शन को पास कर रहा हूँ. दिस इज माई जेंडर आई डी और यूजर आई डी लिस्ट पास करनी है 1, 2, 3. अब यहाँ पर मेरे पास में ये एज अ लिस्ट है इसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट इन एवरी लैंग्वेज अगर मुझे किसी लिस्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड स्प्लिट स्प्लिट स्ट्रिंग इन जावा. तो वो क्या करता है स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है अरे में और अरे को स्ट्रिंग में करने के लिए भी एक एक्शन होता है. सो हम वो देखते हैं यहाँ पर क्या एक्शन है. अगर मैं टेक्स्ट में जाऊँ ज्वाइन आई बिलीव अंडर टेक्स्ट वी हैव टू एक्शंस स्ट्रिंग ज्वाइन एंड स्ट्रिंग स्प्लिट. तो ये एक टेक्स्ट लेता है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके देता है कॉमा सेपरेटेड टेक्स्ट और डेलिमीटर सेपरेटेड टेक्स्ट वो जो भी डेलिमीटर हम देते हैं. और ये क्या करता है एक लिस्ट लेता है मैं उसे सेपरेटर देता हूँ कि कॉमा से कन्वर्ट कर और उस लिस्ट के सारे एट्रीब्यूट्स को एक कॉमा सेपरेटेड और दिस सेपरेटर सेपरेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. तो आई विल यूज दिस हियर. मुझे लग रहा था कि आप ये क्वेश्चन आपको आएगा. आप एसक्यूएल ढूंढोगे और फिर आपको पता चलेगा कि आप इन यूज कर सकते हो देन यू विल आस्क कि हम ये कैसे करें. तो आपने नहीं किया तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं आया तो मुझे खुद से बताना पड़ेगा. क्वेश्चन में पूछा था कि जो इनलाइन एक्सपैंड है वो उसको मैंने यूज किया था किसी प्रोजेक्ट में तो कुछ एआई मेंटोर में वो कुछ परफॉर्मेंस इशू दे रहा था. हाँ सो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो पहले मैं बताता हूँ आपको वो क्यों दे रहा था परफॉर्मेंस इशू और उसको कैसे हमें रेक्टिफाई करना है. सबसे पहले स्ट्रिंग ज्वाइन किया उसे लिस्ट दिया. मेरे पास लिस्ट है ये सिलेक्टेड लिस्ट ओके ये लिस्ट दिया और सेपरेटर कॉमा. इसने ये लिस्ट क्यों नहीं लिया क्योंकि उसको टेक्स्ट रिकॉर्ड लिस्ट चाहिए उसको आईडीज नहीं चाहिए. तो हमें एक टेक्स्ट रिकॉर्ड लिस्ट भेजनी पड़ेगी आईडी की जगह. जब हम भेजेंगे तो हमें टेक्स्ट रिकॉर्ड लिस्ट भेजेंगे और टेक्स्ट में आईडीज रहेगा. तो लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बोलो
बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपका जो क्वेश्चन है उसके बाद. नॉट दिस टेक्स्ट, टेक्स्ट का रिकॉर्ड लिस्ट टेक्स्ट एंड वी हैव दिस टेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑलरेडी राइट. सो इट विल बी लिस्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर दिस टेक्स्ट. ठीक है, अब उस मुझे जहां से मैं पास करूंगा मुझे इस फॉर्मेट में अपनी आईडीज को कन्वर्ट करके पास करनी पड़ेगी. मैं कॉमा सेपरेटेड उस कॉमा से उसको एक सेपरेटर दूंगा. नाउ वो मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू को कॉमा सेपरेटेड कन्वर्ट करके दे देगा एंड आई विल पास दैट हियर. अब इसने मुझे वार्निंग दी, इसने मुझे एरर दी है क्या, जो एरर दी बिकॉज क्या है एरर, अननोन वेयर कंडीशन पैरामीटर यूज इन अपडेट जेंडर. हाँ सॉरी, वेयर यूजर इंफॉर्मेशन, बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज. यूजर आईडी लिस्ट, अभी ये मेरी क्वेरी कंप्लीट हो गई, ये मेरी क्वेरी रन होगी और अपडेट कर देगी. थोड़ा काम करना पड़ेगा उसके लिए. अब ये वार्निंग दे रहा है क्योंकि अवॉइड इनेबलिंग द एक्सपांड इनलाइन प्रॉपर्टी ऑफ एसक्यूएल क्वेरी पैरामीटर सिंस इट कुड मेक योर एप्लीकेशन वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन. ऑब्वियसली या अभी मैंने क्या किया, एक्सपांड इनलाइन किया है राइट. तो एक्सपांड इनलाइन करने से क्या हो रहा है, जो भी मैंने एक्सपांड इनलाइन वेरिएबल प्रोवाइड किया है वो एज अ एसक्यूएल सिंटेक्स भी काम करता है. सो अगर मैंने मेरे हैकर ने किसी हैकर ने इसको हैक करके यहाँ इस यूजर आईडी के अंदर भेज दिया डिलीट स्टार फ्रॉम यूजर इंफॉर्मेशन, ये रन हो जाएगा. अगर मैंने ऐसा भेजा तो ये डिलीट स्टार फ्रॉम यूजर इंफॉर्मेशन रन होगा और इट विल डिलीट एवरीथिंग बिकॉज एक्सपैंड इन लाइन को वो एज अ एसक्यूएल स्टेटमेंट ट्रीट करता राइट. That's why AI Mentor में उसने प्रॉब्लम दिया, उसने AI Mentor में दिया प्रॉब्लम कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसके अभी AI Mentor में प्रॉब्लम दिया बिकॉज ये जेनेरिक वैलिडेशन लिखा हुआ है. फॉर इन दिस सिनारियो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इन दिस सिनारियो, तो हम उसे फॉल्स पॉजिटिव मार्क करके छोड़ देंगे AI Mentor में. फॉर दिस सिनेरियो, अगर ऐसा सिनेरियो है जिसमें उसको ऑप्टिमाइज किया ही नहीं जा सकता और आपको लगता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन के चांसेस कम है, फॉर एग्जांपल इसकी सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है सॉर्टिंग में. डायनामिक सॉर्टिंग जब हम करते हैं तो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हमारे सारे एट्रीब्यूट कैलकुलेटेड रहते हैं और हमें नहीं पता होता है कि किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से सॉर्ट करना है. तो हम पूरा ऑर्डर बाय यूजर इंफॉर्मेशन डॉट नेम ASC पूरा का पूरा स्टेटमेंट बाहर से भेजते हैं और यहाँ पर सीधे डायरेक्ट वो उसको यूज करते हैं. दैट इज सेफ टू यूज, ये हमें पता है एज अ डेवलपर एज अ आर्किटेक्ट. तो हम AI Mentor में उसे फॉल्स पॉजिटिव मार्क कर सकते हैं. दैट इज वन थिंग, वही किया था उसको फॉल्स पॉजिटिव किया था उसको ना, बट वो डिपेंड करता है कि वो सिनेरियो क्या है. इस सिनेरियो में नहीं कर सकते, इस सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है बिकॉज हम आईडी पास कर रहे हैं ना, हमारे पास एक 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 लाइब्रेरी अवेलेबल है सैनिटेशन. तो ये सैनिटेशन क्या करता है, बिल्ड सेफ इन क्लॉज इंटीजर लिस्ट, बिल्ड सेफ इन क्लॉज टेक्स्ट लिस्ट. अभी मुझे इंटीजर लिस्ट बनानी राइट, आईडीज आर इंटीजर. सो मैं क्या करूंगा, इसको बिल्ड सेफ इन क्लॉज इंटीजर लिस्ट एक्शन को मेरी वैल्यू लिस्ट प्रोवाइड करूंगा. वैल्यू लिस्ट इन द सेंस मेरी आईडीज की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा. तो मुझे आईडी आउटपुट में वो 1, 2, 3 दे देगा, दैट विल बी सैनिटाइज. और मैं इस आउटपुट को अगर यूज करूंगा तो वो वार्निंग हट जाएगी. सो लेट्स ट्राई, ये बाकी लोगों को समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो डोंट वरी. बिल्ड इन क्लॉज लिस्ट, और इसको मुझे देखते ही लेता है कि नहीं, क्योंकि ये इंटीजर लिटरल लेता है. हाँ ले लिया उसने, मैपिंग करनी होगी. मैपिंग में अलाउ नहीं कर रहा है बिकॉज वो लॉन्ग इंटीजर लेता है और हम उसमें टेक्स्ट दे रहे हैं. सो
हमें अगर पता है कि इस टेक्स्ट में हमेशा इंटीजर वैल्यू ही आ रही है, देन वी कैन यूज टेक्स्ट टू लॉन्ग इंटीजर. एज अ डेवलपर हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा. ठीक है, अब इसने मुझे वो सैनिटाइज लिस्ट रिटर्न कर दिया, मैंने यहाँ पर वो सैनिटाइज लिस्ट यूज कर लिया, मेरा वार्निंग चला गया. सो अगर मैं इन क्लॉज यूज कर रहा हूँ, देन आई हैव दिस सैनिटाइजेशन मेथड अवेलेबल, मुझे ये यूज करना चाहिए हर समय, देन वो वार्निंग चला जाएगा. बट इफ आई एम यूजिंग इन सॉर्टिंग, देन उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसे फॉल्स पॉजिटिव ही मार्क करना पड़ेगा. मैं आरएनडी किया था तो इसका आया था सैनिटाइजेशन का. हम्म, ये यूज कर भी रहे थे, बट वो जो हमारे वो है सीनियर डेवलपर, वो उन्होंने फिर बोला कि नहीं इसको यूज नहीं करेंगे, जबकि फॉल्स पॉजिटिव करके आगे बढ़ गए. नहीं तो इसको करो ना, अगर इनमें कर रहे हो तो ये गया वार्निंग, अभी आपको एआई मेंटर में नहीं आएगा. दिस इज मेंट फॉर दिस, इसीलिए बना है ये, इसी काम के लिए बना, उसका नाम भी वही है, राइट, इन क्लॉज इंटीजर लिस्ट. सो अभी वो वार्निंग चला गया, अभी एआई मेंटर आपको वार्निंग नहीं देगा, लेकिन अगर अभी आपको आप फॉल्स पॉजिटिव कर दोगे ना, सो कर तो सकते हो, आपके यहाँ चेक नहीं कर रहे होंगे फॉल्स पॉजिटिव को. इन जनरल जो सीनियर डेवलपर या टीम टेक लीड होता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, टेक लीड हैंडल करता है एआई मेंटर एंड आई रिव्यू, मैं रिव्यू करता हूँ. अभी मैं उसे वापस कह दूंगा कि भाई साहब इसको आप यूज कर सकते हो, यू डोंट नो दैट इज, अगर आपको नहीं पता है दैट इज अदर थिंग, मैं बता देता हूँ कैसे करना है, देन आप इसको फॉल्स पॉजिटिव थोड़ी मार्क कर सकते हो, दैट इज हैंडलेबल, राइट. सो कोई चेक नहीं कर रहा होगा उसको, इसलिए पकड़ में नहीं आया, अदरवाइज आउट सिस्टम अगर रिव्यू करेगा तो वो पकड़ लेंगे एंड दे विल फ्लैग इट कि दिस इज नॉट फॉल्स पॉजिटिव, दिस शुड बी हैंडल्ड. सो दिस इज द करेक्ट वे टू हैंडल, ये प्रॉपरली टेक केयर करता है उसका. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, या लास्ट में हमने थोड़ा एडवांस स्टफ देखा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा. ये कब समझ में आएगा, ये चीजें समझना कब इजी होगा, तब इजी होगा जब आप इस तरह की एक्सरसाइज में आओगे और आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है, तब फिर आप क्वेश्चन करोगे, तब मैं आपको अगर ये बताऊंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा अच्छा मुझे ये करना था. अगर मैं सिनेरियो भी मैं ही दूंगा, सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा, तो आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा. सो अगर आपको एडवांस स्टेप समझना है तो सिनेरियो आपको मुझे देना पड़ेगा, जैसे अभी मुझे दिया फरहान ने. आई बिलीव कि आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा इसका क्या यूज होता है. अगर मैं पहले आपको बता देता ये तो आपके ऊपर से जाता, अगर आपको नहीं पता हो तो कि यार ये क्या क्या चल रहा है. सो सिनेरियो आपको, प्रॉब्लम आपके पास आनी चाहिए कि अभी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और मैं बहुत कुछ मैंने रिसर्च कर लिया, मुझे नहीं समझ में आना कैसे करें, देन अगर हम उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल क्विकली समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा आप कभी उसे भूलोगे नहीं. सो इन शॉर्ट, प्रैक्टिस मोर, खुद से भी. अभी आई वॉज होपिंग कि आप मैंने जितने एक्सरसाइजेस दिए उसमें आप खुद से वेरिएशन लेकर के आओगे, बट अभी तो उतना ही नहीं हो रहा है तो वेरिएशन की तो बात ही नहीं करते. एक जो सेकंड रिक्वायरमेंट था एडिट वाला, हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन था, यानी मैं कर तो लिया हूँ बट उसको दिखाना था कि वो सही है कि नहीं, कि उससे भी बेटर वे हो सकता है क्या. इस बताइए, मैं शेयर करता हूँ इसके. ओके, मैं इसको तो ड्रॉप डाउन में ही दे दिया था, सेलेक्ट करके ये ऑल सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन अपडेट. ओके, डायरेक्टली अपडेट हो गया. हाँ, बट आपने बताया मैं पहले एडवांस एसक्यूएल यूज करके अपडेट. नहीं अभी आप नहीं, ठीक है, अभी इसे वापस से फीमेल कीजिए, किसी एक को सेलेक्ट कीजिए. हाँ, किसी एक को सेलेक्ट कीजिए, किसी एक को. नहीं 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 नहीं, अभी रुके, वन मिनट, गलत है, आपने अभी ये डिफेक्ट है. अभी सिलेक्ट ऑल कीजिए. अब मुझे लगा कि यार एमडी फरहान को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, अब एमडी फरहान को अनसिलेक्ट कीजिए. हाँ,
सही है ना, बराबर है, ठीक है। लेकिन अभी सिलेक्ट ऑल हट जाना चाहिए, अभी फीमेल कीजिए। हाँ, बट लेकिन सिलेक्ट ऑल का चेक हटना चाहिए ना, बिकॉज यू हैव नॉट सिलेक्टेड ऑल। हालांकि ये बहुत कॉस्मेटिक डिफेक्ट है, बट देट इज अ डिफेक्ट, सो उसको हैंडल कीजिए कि कैसे वो सिलेक्ट ऑल का चेक। और अभी आप एक एक करके सब सिलेक्ट करिए, एक एक करके। आप जो बोल रहे हैं वो भी नहीं होगा। हाँ, तो अभी एक एक करके सारा सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट ऑल हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। एंड द सेकंड थिंग था एडिट में, ये पॉपअप में है, ये पर्टिकुलर रो को इफेक्ट तो कर रहा है, जैसे मैं इसको अपडेट करूंगा, पर्टिकुलर रो को ही इसमें किया, लेकिन जिस तरीके से मैंने किया वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें मैंने एक ट्रिगर इवेंट ट्रिगर किया था रिफ्रेश डेटा का, जो पहले तो यूजर जो मेन स्क्रीन से इसके पॉपअप में जो वेब ब्लॉक जा रहा है उसमें ये कौन सा, ये पॉपअप, यस, इसमें मैंने दो चीजें भेजी, एक तो आईडी और उसकी करंट रो, जिसके बेस में उसको एक बार बाबा यूआई पे जाइए, यूआई पे आपका क्रोम पे एप्लीकेशन पे। हाँ, अभी फिल्टर कीजिए कुछ, फिल्टर कंडीशन लगाइए ना पहले। हाँ, अभी नहीं, नहीं ये नहीं, फिल्टर दूसरा फिल्टर लगाइए, हटाइए इसको और जैन जैन लिखिए। हाँ, अब इसे एडिट कीजिए, कुछ भी एडिट कीजिए, नाम एडिट कीजिए, आकाश टू। हाँ, सेव कीजिए एंड अभी फिल्टर हटाइए। ठीक है, ठीक है, मुझे आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा था कि ये हैंडल है कि नहीं, हैंडल किया आपने, दैट इज करेक्ट। अदरवाइज क्या होता है, फिल्टर कंडीशन, क्योंकि आप रो नंबर भी पास कर रहे हो, राइट, दैट कैन बी एक्सपेंसिव समटाइम्स, सो आइडियली आपने क्योंकि आप दोनों रो अलग अलग हो सकती है ना, किस सिनारियो में वो ब्रेक हो सकता है, मैं ये सोच रहा था। ठीक है, आपने रो नंबर को हैंडल कर लिया है तो देन प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप आईडी पास कर सकते थे वापस, वो आईडी तो पास हो ही रही है, तो उस आईडी से फिल्टर लगा करके, और एक बार वो चेक किया कि आपने पेजिनेशन में अगर आपने दूसरे पेज पे अपडेट किया है, वो वाला सिनेरियो चेक किया, आपने पेजिनेशन लगाया दूसरे पेज पे गए वहां अपडेट किया तो दूसरे पेज पे अपडेट हुआ, वो सिनारियो एक बार आपको चेक करना चाहिए। क्योंकि आप ये जो करंट रो नंबर पास करो ना, इसकी क्या जरूरत है, क्यों पास किया करंट रो नंबर, वही जब अपडेट करके जब वापस इवेंट से उसको हैंडल कर, आप अभी मुझे गेट यूजर इंफॉर्मेशन डॉट आईडी बताइए, इसमें आपने फिल्टर लगाया तो एक ही रो आ रही है हमेशा, और ये करंट रो क्या पास कर रहे हो आप, जहां जहां पर ट्रिगर किया है आपने रिफ्रेश डेटा, वो कहां पर किया है, सेव डिटेल में, राइट, जो ये करंट रो नंबर वो है जो वहां से आ रही है एज ए इनपुट जो ले रहे हैं ये। अच्छा, हाँ तो हाँ, फिर इसको पास करने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तो वहाँ करंट रो हमें पता है ना किस पे एक्शन परफॉर्म हुआ था, इसका कहाँ यूज किया आपने,
इसका यूज आपने फिर डायरेक्टली इसी का यूज करके इंडेक्स में लेके उसको अब उसका आपने डिटेल अपडेट कर दिया राइट? हाँ डिटेल अपडेट कर दिया एंड देन इसको जो हैंडलर बनाया यहाँ पर ये इसका जो ये हैंडलर है इसमें उस पर्टिकुलर रो को रिमूव करके जो वहां से डेटा आ रहा है हैंडलर के थ्रू उसको अपडेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है ठीक है। वैसे इसमें आप एक बार चेक करना कि जो पेजिनेशन में ये बराबर चल रहा है कि नहीं। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, जो लेस एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है वो है कि आप रिकॉर्ड तो पूरा पास कर ही रहे हो, इट मींस आपके पास आईडी है, आईडी इज यूनिक ऑलवेज, तो आप उस आईडी से फिल्टर करके आपकी करंट लिस्ट को, इस पर्टिकुलर स्क्रीन की लिस्ट को, और उस जो फिल्टर आ रहा है उसको अपडेट कर देते हैं। सो ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इसमें प्रॉब्लम के चांसेस कहीं कोई सा सिनेरियो नहीं बनता जिसमें प्रॉब्लम आ सके उसमें भी। हालांकि नहीं, एक बार चेक कर लेना अपने पेजिनेशन पे काम कर रहा है कि नहीं, अगर काम कर रहा है तो फिर कोई सिनेरियो नहीं बचा उसमें भी जो प्रॉब्लम दे सके। एक सिनेरियो फिल्टर में मैंने सोचा था और पेजिनेशन में चेक कर लेना टेस्ट। बाकी ठीक है, अपडेट करने के बाद इस ये जो मेन है लिस्ट जो मेन स्क्रीन में दिखा रहे इसमें फिल्टर लगाने बोल रहे हैं आप, इसमें? हाँ, इसमें फिल्टर लगाने को, इसमें फिल्टर लगा देंगे उस आईडी से, वाया आईडी, क्योंकि हम आईडी वहां से हमको मिल रहा है कि कौन सी आईडी अपडेट हुई। और फिर इसको रिफ्रेश कैसे करेंगे? आईडी मिला, आईडी से फिल्टर लगाया तो हमको एक ही रो मिलेगी सिंगल, उस रो को फिर हम जो आपने अपडेट किया नीचे एक असाइन करके अपडेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। या फिर हम पूरा का पूरा रो भी वहां से, आप तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही पास कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्ट असाइन कर सकते हो, डायरेक्टली असाइन कर सकते हो। ओके हाँ, इस फिल्टर लगा के इस फिल्टर की जो रो की वैल्यूज है उसमें वहां से जो ऑब्जेक्ट्स आए हैं उनको असाइन कर देंगे। हाँ नहीं, फिल्टर में नहीं, फिल्टर में नहीं, उसका इंडेक्स निकाल के उसके इंडेक्स आपको असाइन करना है, गेट यूजर इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में डॉट लिस्ट ब्रैकेट में इंडेक्स डॉट यूजर इन्फॉर्मेशन और जो वहां से आया है वो। बट इंडेक्स कैसे निकालोगे, आपके पास आईडी आया है, आप गेट यूजर इन्फॉर्मेशन का आप इंडेक्स यूज करोगे फिल्टर की जगह, इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर रो, आप इसकी जगह इंडेक्स आप ड्रॉप करो, रन क्लाइंट फील्ड एक्शन, रन क्लाइंट एक्शन ड्रॉप करो। हाँ हाँ चलेगा वो भी। हाँ लिस्ट इंडेक्स ऑफ, लिस्ट इंडेक्स, हाँ तो अभी आपको इंडेक्स निकालना है उस लिस्ट आपकी गेट यूजर इंफॉर्मेशन का, और कंडीशन वो है जो आपके पास आई है इवेंट से, इसकी यूजर इंफॉर्मेशन डॉट आई डी इज इक्वल टू जो वहां से इनपुट आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है उसका आईडी, एज आईडी आ जाएगा। अभी मैं इसको पूरा वो ला रहा हूं, नहीं आपको पूरा ही लाना पड़ेगा ना, लाना तो पूरा ही पड़ेगा, इसमें आईडी से आपको मैच करना पड़ेगा। अब ये जो आपको इंडेक्स आया है इसकी वैल्यू आई होगी 1, 2, 5, 7 जो भी आएगी, आप अब डायरेक्ट असाइन यूज करोगे, यूज करो असाइन, लेकिन इसके पहले कि कंडीशन लगाना आपने, क्योंकि इंडेक्स में माइनस वन तो नहीं आया, अगर माइनस वन आ गया होगा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा, मतलब मिल रहा है हमको, तो वो आप उसके ऊपर लगा देना, बाकी वेरिएबल में सिलेक्ट करो। हाँ वेरिएबल में जाओ, एक्सप्रेशन एडिटर में जाना पड़ेगा वेरिएबल के, अगर एक्सप्रेशन में नहीं जा सकता, एक्सप्रेशन नहीं ओपन होगा ना तो आपको बनाना पड़ेगा वेरिएबल, तो नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप नीचे वाले में बना लो, एक्सप्रेशन एडिटर ओपन करो, वैल्यू में से आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वो लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ हाँ एक्सप्रेशन एडिटर, अब आपका जो इंडेक्स, आपका जो वो है लिस्ट है, मेन लिस्ट है, जो मेन, नो नो नॉट दिस, आप अभी वेरिएबल के लिए एक वेरिएबल बना रहे हो, मैं बताता हूँ कैसे बनाना। हाँ ये करो उसको डॉट लिस्ट, अब ब्रैकेट में वो जो इंडेक्स का ब्रैकेट लगाते हैं, हाँ अब वो इंडेक्स आपका है अवेलेबल उसमें,
हाँ लिस्ट इंडेक्स ऑफ पोजिशन एंड आगे डॉट लगा के यूजर इंफॉर्मेशन जस्ट कॉपी कर लो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो और वेरिएबल में पेस्ट कर दो डायरेक्टली. एग्जैक्टली हाँ, अब वैल्यू में आपकी हो जाएगी जो आपके पास आया है वो. एग्जैक्टली पूरा का पूरा अभी आपका डायरेक्ट आपने रीअसाइन कर दिया, जो भी आपके पास आया पूरा का पूरा रीअसाइन. दैट्स इट. ठीक है, ठीक है, लिस्ट इंडेक्स ऑफ इसका यूजर. ओके ठीक है, ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन है तो रैप अप करते हैं. ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, सभी लोगों को करना चाहिए. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे. एटलीस्ट नहीं क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस जनरेट हो जाएंगे. ठीक है गाइस, ओके ठीक है. रघु, मिता, नयन, यस सर, ठीक है. वो वेब ब्लॉक का एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइजेस कवर कीजिए. हां सर, ठीक है. चलो, नो ऑडियो, आपस में ही बात हो रही थी क्या? आई एम नॉट श्योर. कैन यू हियर मी नाउ रघु? आपके आपके स्पीकर में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ. नो प्रॉब्लम, आज के रैप अप करते हैं. मैं टेक्स्ट करता हूँ ग्रुप में और इसका रिकॉर्डिंग डालता हूँ. या ओके, थैंक यू, ठीक है, बाय बाय.